हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, पाई बॉन्ड जनरेट बाय ओनली एरोमेटिक ऑर्बिटल, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी आप देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है पी, एस के बगैर एस हमेशा सिग्मा बनाएगा या सिग्मा बनाएगा, जब तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सिमेट्रिकल भी बनाएगा और पाई बनाएगा। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो वजह से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, एक वो अनसिमेट्रिकल है, दूसरा उसमें एस कैरेक्टर है, और एस कैरेक्टर होने की वजह से पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया पाई बॉन्ड जनरेट बाय ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल में भी कौन सा, पी एंड डी। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछे व्हाई हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, तो दो रीजन दोगे, एक अनसिमेट्रिकल इन शेप और दूसरा दे हैव एस कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड एस कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट जनरेट पाई बॉन्ड, एस कैरेक्टरिस्टिक जनरेट सिग्मा बॉन्ड। जबकि यहां पर एस कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 0%, यहां कुछ तो है, कुछ भी हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी, एटॉमिक ऑर्बिटल तो बना सकते हैं लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, बीच में न्यूक्लियस, अजीब सा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट रहा। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, हमने अभी हाल डिस्कस किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, एनर्जी कर्व ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एनर्जी कर्व ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब तक एटम है तब सारे ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, लेकिन बाद में ये किसमें कन्वर्ट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ये आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां एनर्जी आपके पास कर्व है, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, एनर्जी है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जब हमें पता चला इतनी सारे ड्रॉबैक्स हैं किसके, लुईस थ्योरी के, तो हमने इस थ्योरी को लेके आए, हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल किस में कन्वर्ट होते हैं, जल्दी से बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हमने कहा कि पहली चीज कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है, इसलिए उससे बनने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एक एक करके कुछ पॉइंट हम बात कर रहे हैं, पहला कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में चेंज होते हैं तो क्यों होते हैं, सिंपल सा है कि ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बने। लेकिन अभी तक तो आपके लिए ये प्रोसेस डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव वाला, यानी एंडोथर्मिक है, पक्का एंडोथर्मिक है। तो अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल यहां होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर बॉन्ड बनाओगे तो ये इस तरह से बनाएगा, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से अगर आप बॉन्ड बनाओगे तो वो इस तरह से बनाएगा। तो ओवरऑल आपको ज्यादा बेनिफिट किसमें मिला, हाइब्रिड ऑर्बिटल से या एटॉमिक ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। एटॉमिक ऑर्बिटल को 10 रुपए दो, 50 रुपए वो देगा, और डायरेक्ट बनाओगे तो 20 रुपए, तो फायदा इसमें 20 का हो रहा है, उसमें कितना हो रहा है, 40 रुपए का। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, समझाना, इज दैट क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एटॉमिक, लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड ही नहीं बनाते, हम उन्हें फिर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करवाते। तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल ही हमारे लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन कभी भी किसी एटम को देख के नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, जबकि हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं। उसका रीजन हमने सेकंड पॉइंट में लिखा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है, यस और नो? तो इससे सिग्मा बॉन्ड किससे ज्यादा बनेगा, अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा बनेगा क्योंकि इसके पास एक लूप ज्यादा है। लेकिन पाई बॉन्ड की बात करें तो आप ही बताइए, पाई बॉन्ड किससे ज्यादा अच्छा बनेगा सिस्टमेटिक, इससे, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा, और जबकि यहां क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, इसमें एस कैरेक्टर होंगे, एस कैरेक्टर
पाई बॉन्ड बनाने के अगेंस्ट में होंगे, जबकि इसमें एस कैरेक्टर नहीं होंगे तो पाई बॉन्ड आसानी से बनेगा। तो इसका मतलब हम मॉलिक्यूल को देखेंगे कि उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। तो कुल मिला के अब हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होगा, ओनली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल टेक्स पार्टिसिपेट इन 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 रेजोनेंस, यस और नो? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही होगा कि हम मॉलिक्यूल के को देखकर हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, एटम को देखकर नहीं, रिमेंबर दैट। तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे इंतजार कर रहे हैं, फटाफट अगर देखा जाए तो हम एटॉमिक, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी ओनली वैलेंस या ब्रैकेट में लिख लो नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। कुछ वर्डिंग्स का गेम भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिटल का? ऑर्बिटल का, बिल्कुल सही कहा, ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन तो फिलअप होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल नॉट इन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या खाली ऑर्बिटल? यानी कुल मिला के मैं आसान भाषा में बात करूं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कभी भी आप देखोगे तो आपको या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा या दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या खाली ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं क्या? डी ब्लॉक के अंदर करते हैं, ध्यान से सुनना। तो इन हाइब्रिडाइजेशन एम्प्टी ऑर्बिटल, फुल फिल ऑर्बिटल एंड हाफ फिल ऑर्बिटल, तीनों ही तरह के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डी ब्लॉक के अंदर नहीं करते क्या? हम आगे पढ़ोगे आप, डी के अंदर भी होता है। तो इन हाइब्रिडाइजेशन, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन हाइब्रिडाइजेशन एम्प्टी, फुल फिल, हाफ फिल कैन टेक्स पार्टिसिपेट एक बार हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो उसके अंदर फिर बॉन्डिंग बन जाती है। तो मुझे कई बार कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले बनता है या बॉन्डिंग होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, तो ये थ्योरी ये कहते हैं पहले ऑर्बिटल बनते और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, शेयरिंग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस देन आफ्टर बॉन्डिंग जनरेट, देन बॉन्डिंग जनरेट। मतलब पहले मकान बनेगा और फिर उसके बाद उसमें आदमी आएंगे। ये सारे पॉइंट्स हम अच्छे से जानते हैं, तो हम नए कौन से पॉइंट्स बनाएंगे? बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, फोर्थ फिफ्थ। हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि दो से चार बन जाएंगे, पक्का यहां दो ऑर्बिटल ही बनाएगा। तो जनरेटेड हाइब्रिड ऑर्बिटल, लिखते जाए मेरे साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, लिखते जाएं, सही है,
सेवेंथ, सिक्स पॉइंट। एक बात ध्यान ना, पाई बॉन्ड अगर है तो पाई बॉन्ड जनरेट बाय ओनली एंड ओनली ऑन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। पाई बॉन्ड जनरेट बाय ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप इतना तो मान के चले कि हम मॉलिक्यूल को देख के ही हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है उसके पास कितने पाई बॉन्ड है, सही है, कितने पाई बॉन्ड बनने। तो मैं आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा हिंट भी दिया था, फिर मैं बता रहा हूं। यहां आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि इस जगह कि कोई पाई बॉन्ड नहीं, नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट। तो कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, इट मींस ऑल एस एंड पी जो टोटल फोर ऑर्बिटल कन्वर्ट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबके सब हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि मैं फिर बोल रहा हूं इसके अंदर कितने, तीन सिग्मा एक पाई है, तो पाई तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वन एस एंड टू पी ऑर्बिटल कन्वर्ट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल रिमेन सेम। भैया वो कुछ भी नहीं करेगा, वो इसी तरह से रहेगा, मैं पहले भी एटॉमिक था अब भी एटॉमिक रहूंगा। तो क्या आप कार्बन को देख के बोल सकते हो उसमें सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगा? नहीं, इसमें चार आरबी ले रहे हैं जबकि इसमें तीन ही ले रहे हैं। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे कार्बन पे, वैसे वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटलों की क्वांटिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटलों की क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम। समझ में आ रहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड तो बनेगा ही एटॉमिक से। तो ये थ्योरी वेस्पर थ्योरी बोला जाए या एडवांस वर्जन ऑफ वीबीटी, क्योंकि वीबीटी बेस पे तो है ये, तो मैं तो इसको आज भी वीबीटी ही बोलूंगा कि दैट इज द एडवांस थ्योरी या एडवांस पॉइंट ऑफ वीबीटी। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पाउली रूल्स को फॉलो करते हैं? हाँ, जैसे दोनों में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये भी हमारे लिए पॉइंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल follows the Pauli's rule. हाइब्रिड ऑर्बिटल follows the Pauli's rule. अगर यह Pauli rule को follow करता है, it means maximum possible electron in single हाइब्रिड ऑर्बिटल आर टू एंड वॉट एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कर लिया उन्होंने मिक्स कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया और नए ऑर्बिटल बना लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से अलग है, अलग डायरेक्शनल नेचर है, तो ठीक है। तो एक बनने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, हो सकता है उनकी एनर्जी अलग हो, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सभी की क्या होगी? सेम होगी। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हैव डिफरेंट एनर्जी, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी ऑफ
ऑल ऑर्बिटल ऑल ऑर्बिटल जिसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सेम सही है। तो इसको जल्दी से आप लिखिए, वेस्पर थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी होती है, होती है हम जानते हैं कैसे, एस की एनर्जी अलग होती है यानी ज़्यादा स्टेबल होता है पी, और पी किससे ज़्यादा होती है डी की, समझ में आ रहा है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की सबकी क्या होती है, सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पास है सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन है, एस। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में एंटर होगा, एस में, देन पी में, देन डी में। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आने के बाद सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम। तो ये पॉइंट को अगर आप मिला रहे हैं तो अब मैं आपको बता देता हूं, ये एस, एक पी एक्स, ये पी वाई और एक पी जेड, ये तीनों ने हमारे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये एक एस, एस स्पेरिकल होता है बिल्कुल, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है एस। तो जब ये बनेंगे ना तो हमारे पास चार ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक दो तीन चार थे तो चार ही बनेंगे, एक दो तीन चार, और सबकी शेप ऐसी होगी, अब एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा, और इनकी नेमिंग इनमें पार्टिसिपेट होने वालों के बराबर ही होगी, एस पी थ्री, एस पी थ्री, एक एस पी थ्री। यानी सबका नाम सेम क्यों रख रहा हूं, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम, पक्का, तो सबका नाम सेम हो जाएगा और सबका एक ही नाम होगा sp3। तो बताइए sp3 अपने आप में एक क्या है, एक ऑर्बिटल है, लेकिन ये भी बताता है कि मेरे तीन भाई और हैं, हम चार जुड़वा भाई हैं। तो अगर कोई बोलता है sp2, तो बताओ sp2 अपने आप में कितने भाइयों को लेके पैदा हुआ है, साथ में टोटल sp2 में तीन है, sp में दो है, sp3 में चार है, तो चारों की एनर्जी सेम आएगी, या सुनो पक्का। हाँ, अगर एक s और P की बात करता हूं, एक एस पी पी, यहां ये एम टी है, क्या एम टी ऑर्बिटल नॉर्मल P के केस में पार्टिसिपेट करता है, नहीं, एम टी ऑर्बिटल कहां पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ D में, वो अलग लेवल हो गया। लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स S और P के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं अपने ये वाले, इनके अंदर सिर्फ फुलफिल या हाफ फिल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, ये पॉइंट वहां पर भी एक्सटेंड कर सकते थे, वो मैंने डी को ध्यान में रखते हुए बोला था, हाफ फिल, फुलफिल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल टेक्स पार्टिसिपेट। लेकिन नॉर्मल केस में तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एस और पी ही पार्टिसिपेट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब उस कंडीशन में अब आपके कितने बनेंगे, सिर्फ तीन, और सबके नाम क्या होंगे, एस पी, एस पी, एस पी टू, एस पी टू, एस पी टू, एक दो तीन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बोरोन वाला केस ले सकते हो, ठीक है। तो यहां हमारे पास अगर ये खाली है, ये भी खाली हो गया, या ये पाई बॉन्ड बनाने चला गया, ठीक है, तो अब आपके पास एक दो अंतर आ रहा है आपको, तो पहले आप समझिए कि इसका नाम क्या रहेगा, एसपी, एसपी, तो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वही हमारे पास यहां आएंगे। क्या इन चारों की एनर्जी सेम हो गई, हाँ, क्या ये, क्या बोल सकते हैं अपन, जब चारों की एनर्जी सेम हो जाती है तो डीलोकलाइजेशन बोल सकते हैं, डीलोकलाइजेशन मतलब सेम एनर्जी, तो सेम एनर्जी है, तो क्या ये हुंड रूल्स को फॉलो करेंगे, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल सही बोला। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, नेक्स्ट नाइन नंबर का पॉइंट, follows the Hund rule. Hund rule. For example, sp3 carbon है,
तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक दो तीन चार, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दो। समझ में आ रहा है? सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है और सबका नाम अब sp3 है। sp3 नाइट्रोजन है, एक दो तीन चार हुंड रूल, एक दो तीन, एक लोन पेयर बनेगा और तीन खाली रहेंगे। एम्प्टी ऑर्बिट अभी हाफ फिल है, बाद में ये बॉन्डिंग तो करेंगे क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो बॉन्डिंग के लिए ही पैदा हुए हैं, तो ये बाद में बॉन्डिंग करने के बाद बॉन्ड, और ये तो कहलाएंगे लोन पेयर और ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर। ये बॉन्डिंग करेंगे ही करेंगे, सिर्फ बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कुछ को समझ में आया अच्छे से? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हुंड्स रूल और पाउली रूल लग रहा है, आप तीन इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और एक और अच्छी बात है कि जब ये भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, तो ये सब सेम डायरेक्शन में होंगे, उठपटांग नहीं भर सकते। तो ये किसने कहा था? हुंड ने। हुंड ने कहा था सारे एक डायरेक्शन में होंगे, और पाउली ने क्या कहा था कि एक दो से ज्यादा नहीं रखने, सारे के सारे उठा के यहां मत रख देना। ऑर्बिटल पहले भरते हैं फिर इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, फिर मैं बोल रहा हूं ऑर्बिटल पहले बनते हैं फिर इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले ही भर गए और आप ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ये पूरे, सारी थ्योरीज ही, तो दोनों साथ भी हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन ज्यादा अच्छा यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट कोई डाउट नहीं है, श्योर लॉक कर दे। दस पक्का? तो आपके लिए एक और पॉइंट साथ के साथ आएगा, क्या सेकंड पीरियड तक डी ऑर्बिटल होता है क्या? वैलेंस नहीं होता, तो उनमें कभी भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा? नहीं। डी हाइब्रिडाइजेशन नॉट पार्टिसिपेट, डी ऑर्बिटल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन बिफोर या अप टू सेकंड पीरियड। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, डी ऑर्बिटल नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड एंड फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट। मुझे तो तब ताजुब होता है जब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है सर नाइट्रोजन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, कर्म फूट गए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे। समझ में आ रहा है? मैं बताऊं कैसे पूछते हैं, बहुत अजीब अजीब से, सर ऐसे ऐसे बना लेते हैं, NCl5 बना देते हैं और कहते हैं सर इसके अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। पहले तो ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा? डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, PCl5 बनता है। यार तुम पूरी VBT की बैलेंस थ्योरी खत्म हो जाती है, ये VBT तो है पूरा एक तरह से, VBT सेकंड पार्टी। क्या नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी का एक्सपांशन कर सकता है क्या? नहीं, नाइट्रोजन तीन से ज्यादा वैलेंसी शो ही नहीं कर रहा, लेकिन नाइट्रोजन प्लस कर दिया जाए तो भी कितनी होगी? चार। पक्का? इज दैट क्लियर? बोलो हाँ, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, चार से ज्यादा नहीं हो सकती नाइट्रोजन प्लस बन के, वो भी कोई डाउट? डायरेक्ट नाइट्रोजन से तो तीन ही होगी, तो ये हमारे लिए हो सकता है कि कभी भी अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसके अंदर एटम जो हमारे पास जिस पे हाइब्रिडाइजेशन हम बता रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड का है, तो sp3d या sp3d2 जैसे हाइब्रिडाइजेशन तो काट ही दो। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना होता है ऑर्बिटल का, सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी हमारा 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन।
भाई आप अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, आर्मी तैयार कर रहे हैं, तो अच्छे सैनिकों को यानी सोल्जर को लेना पसंद करेंगे? लेंगे नहीं लेंगे, बिल्कुल सही है। तो वही तो सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो करिए इसमें सिलेक्शन करिए जल्दी से, किसको करना चाहेंगे जल्दी बोलो। अगर आपके पास एस पी हाइब्रिडाइज है तो आप एस को ले लो। अब पी में किसको लेना पसंद करोगे? पी एक्स पी वाई पी जेड किसी को भी ले लो, यहां तो सब बराबर एनर्जी के, सब तैयार खड़े हुए, तो कोई भी ले सकते हो, एक्स ऑब्लिक वाई ऑब्लिक जेड कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आपको मॉलिक्यूल की शेप दिख जाए, अगर एक्स लोगे तो जो बनेगा वो पी एक्स पे जाएगा, एक्स पे जाएगा, तो ठीक है, यहां कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है। एस पी टू के लिए आप किसको लोगे? एक एस को और दो पी को, कोई भी दो एक से हो सकते हैं, या तो पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स पी जेड, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और एस पी थ्री में तो अब तो बिल्कुल ही हो गया, एक एस पी एक्स भी है पी वाई भी है और पी जेड भी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लड़ाई भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि सारे सिमेट्रिकल थे, सिस्टमेटिक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लड़ाई कहां से शुरू होती है? डी से। डी से लड़ाई चालू होती है। तो अगर मैं की बात कर रहा हूं, एस पी एक्स पी वाई और एक मैंने पी जेड ले लिया, अब डी लेना चाह रहा हूं, तो डी कौन सा लूं मैं उसको लेने की कोशिश करूंगा जिसके लिए एनर्जी सबसे कम कंज्यूम हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था हाइब्रिडाइजेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी? ये तीनों आराम से मिल जाएंगे डी जेड स्क्वायर में लगेगी, क्योंकि इन दोनों का मिलना आसान होगा, ठीक है। अगर आपने यहां पर कोई और ऑर्बिटल ले लिया होता तो पी जेड को डी एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स में मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लेस एनर्जी कंज्यूम, डी जेड स्क्वायर कंज्यूम लेस एनर्जी। एक और तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है 13 एस पी एक्स पी वाई और एक डी पहले वाला शेल का। मैंने आपको ये कहा था वैलेंस शेल ऑर्बिटल टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन साथ में ब्रैकेट में लिखा था अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी वाले भी आ सकते हैं, तो ये यहां पर ब्रेक हो जाता है रूल जब डी आता है, तो डी में पेनल्टीमेट शेल यानी कि इनर शेल भी आ जाता है और वो होता है डी। ये आपको जनरली नहीं मिलेगा, ये आपको डी ब्लॉक में ही मिलेंगे। डी ब्लॉक में हमारे बहुत सारे पी ब्लॉक वाले रूल टूट रहे हैं, टूटने दो कोई बात नहीं, रूल बनती है इसलिए कि कभी ना कभी टूट जाए। तो बताओ कौन सा डी लिया जाए? डी जेड स्क्वायर यहां पर बेकार है, किसको मिलना ज्यादा आसान होगा? एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर को बड़े प्यार से मिल जाएगा, बिना पी जेड के डी जेड स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये लिखते जाओ, बिना डी जेड के पी जेड के डी जेड स्क्वायर नहीं आएगा। अब डी एक्स स्क्वायर लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा, इस जगह डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर इजीली इजीली मिक्स्ड इन पी वाई एंड पी जेड, आराम से मिल जाएगा पी वाई एंड पी एक्स एंड पी वाई, बड़े प्यार से मिल जाएगा एक्स और वाई में, श्योर है। तो यहां पर फिक्स हो गया पी कौन सा होगा, पी एक्स, वाई कौन सा, पी वाई, पी जेड नहीं आएगा, ये भी फिक्स होगा यहां तो पी एक्स पी वाई और ये कौन सा होगा एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। बोलो यस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉक कर दूं मैं 13 14 थर्टीन फोर्टीन का है, ये तो 11 के ही है, के सी है, तो ये ए सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल ही तो चल रहा है, ए तो यही था, ए बी सी डी ई। अब मैं आपका आईक्यू चेक करना चाहता हूं एफ में, मैंने एस ले लिया, पी एक्स ले लिया, पी वाई ले लिया, पी जेड भी ले लिया और दो डी लिए, मेरे पास पांच डी होते हैं, जब भी पी जेड दिखेगा आपको एक तो लॉक कर ही दो डी जेड स्क्वायर। अब ये बचा हुआ डी कौन सा होगा?
एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, क्योंकि उसका मिलना बहुत आसान होगा। लॉक कर दो बिल्कुल, एक्स सही है, क्योंकि ये मिलना ज्यादा आसान होगा। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये चार आपस में मिलेंगे, समझ में आ रही है? पांचवा ई एफ जी, चलिए एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी, तीन डी ले रहा हूं एक साथ, बताओ जल्दी जल्दी बोलो कौन सा सही रहेगा। बिल्कुल जेड स्क्वायर तो लेना ही है, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर भी लेना है, ये एक्स वाई ही आएगा क्योंकि ये एक्स वाई के साथ मिलना ज्यादा आसान रहेगा। अब इसके बाद जो आएगा उसमें आपके पास चॉइस बढ़ जाएगी, वो एक्स वो वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, तो उसकी वजह से उसमें दो तरह की शेप्स जनरेट होगी। अभी तक सब में एक ही तरह की शेप जनरेट हो रही है, मैं आप शेप में आने वाला हूं तो ये फर्क होगा, इसीलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, ये अलग मिल रहे हैं और ये दोनों अलग मिलेंगे। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर अलग अलग मिल रहे हैं इसको कैसे समझाएंगे, ये अलग अलग एक्सेस पे रहेंगे, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल मिलने के बाद तो आपके लिए एनर्जी सेम ही आएगी। हाँ ठीक है, हाइपोथेटिकल है, कुछ एजम्पशंस बनते ही चले गए थ्योरी में, या सुनो तो क्या हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए यहां पर, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो हमारे लिए सात ऑर्बिटल बनेंगे इनमें, एक दो तीन चार पांच छ सात, और सबका नाम क्या होगा, sp3d3, सेम सबका यही नाम होगा, और सब भी एक ही तरह की शेप रखते हैं, ऐसे एक पार्ट छोटा एक पार्ट, और सबके नाम वही हैं। हंस रूल पावली रूल्स को सब फॉलो करेंगे, कुछ को समझ में आ रहा है, कोई डाउट? 12 पॉइंट मैंने लिखा दिए, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछें, जल्दी से डिस्कस करो, अपने बनाओ, आप कह दो ये थ्योरी गलत है, कहां पर बेटा भूल, यहां पर वाई जेड क्यों नहीं लिया, रीजन मान लो ले लेता मैं, लेकिन यहां पर जेड पहले से ही वाई से अलग है, वो अलग पार्टिसिपेट कर रहा है जेड मिक्सिंग के लिए, जेड स्क्वायर के लिए सिमेट्री में, और ये पी वाई एक्स के साथ मिला हुआ है मिलते वक्त, ये चार, तो अब आप बताओ ये इसके साथ मिल ही चुका है ऑलरेडी, तो अब एक्स वाई का मिलने के ज्यादा चांसेस है या वाई जेड के, क्योंकि इन दोनों में लड़ाइयां चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्टली, हल्का हल्का फर्क पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा, और कोई अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर? चलो अब बात आती है सिलेक्शन के बाद शेप ज्योमेट्री फिर डिस्कशंस, तो पहले ये यहां तक हम और कर लेते हैं, एक टेबल हमारा और इंतजार कर रही है, बहुत इजी है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ ऑब्वियसली हम हाइब्रिड एटम की बात करेंगे, हाइब्रिड एटम, या हम इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, 3D डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा नाम तो यही होगा 3D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप क्या चाहते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि उसमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो या ज्यादा
लिबरेट एनर्जी करे, ज्यादा से ज्यादा लिबरेट करे, स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो मेरे लिए जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो दो चीज को ध्यान रखता हूं। पहला फर्स्ट रिपल्शंस बिटवीन ऑर्बिटल मिनिमम हो, दूसरा सिमेट्री हो, सिमेट्री भी हो, सिमेट्री रूल, और तीसरा हाइब्रिड हमेशा अपने पेरेंट्स जैसे हों, यानी घोड़ा और गधे का हाइब्रिड खच्चर जो है वो अपने मम्मी पापा जैसा दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, दोनों की प्रॉपर्टी हो, ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, विच आर टेक्स पार्टिसिपेट एंड हाइब्रिडाइजेशन। बहुत जरूरी है अपने मम्मी पापा से प्रॉपर्टीज लेना, हाँ या ना, क्लियर है? मैं ये हटा दूं, लिखो जल्दी से। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, पॉइंट्स लिखे हैं, हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर जेड नहीं है तो फिर जेड करेक्टर भी नहीं आएंगे, और अगर जेड है तो जेड करेक्टर आना जरूरी भी है। ये नहीं है कि जेड नहीं था जेड करेक्टर आ गए, ये भी गलत है, और जेड करेक्टर था फिर भी नहीं आए वो भी गलत है। तो जब भी जेड आएगा तो यानी 3D डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखेगा ही दिखेगा आपको। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं, एक बार टेबल बना के यहां मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं, और यहां मैं आपको ज्योमेट्री बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, या ज्योमेट्री आप लिख सकते हो। अगर आपने एस लिया और पीएक्स ले लिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी, क्योंकि एक्स लिया है तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कितने बनेंगे, दो, ये तो बात क्लियर है। और दोनों किस तरह से होंगे, ये पहला और ये दूसरा, और ये जो एक्सेस होगी वो कौन सी होगी, एक्स एक्सेस, क्योंकि एक्स पे है तो एक्स पे ही होगा, वाई होता तो ये वाई ले लेता, जेड होता तो जेड ले लेता, कोई डाउट, पक्का? तो ये चीज का ध्यान रखेंगे फर्स्ट। सेकंड, अगर मैंने एस पी एक्स और पी वाई ले लिया तो आपको भी मालूम है यहां पर क्या हो जाएगा, एस पी टू, तब मैं ये वाला छोटा वाला पार्ट का कोई काम नहीं है बॉन्डिंग में, तो मैं ये नहीं बना रहा। तो अब आप खुद ही सोचे ये कौन सा प्लेन होगा जिसमें ये दिखाई दे रहा है, एक्स एंड वाई प्लेन, जेड है ही नहीं इसमें, तो जिस प्लेन में ये तीनों होंगे वो एक्स वाई प्लेन होगा, क्योंकि जेड होगा भी नहीं क्योंकि जेड लिया ही नहीं। हाँ, अगर पी जेड ले लेते वाई की जगह तो एक्स जेड प्लेन में हो जाता। थर्ड, एक एस पी एक्स पी वाई पी जेड, बिल्कुल अब आपने सभी ले लिए तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो गया। थ्री ऊपर लिखा जाए या नीचे लिखा जाए, कहीं पे भी लिख दो कोई फर्क नहीं है, ऊपर भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये मेरे पास अब दिख गया मुझे कि ये जेड करेक्टर आ चुका है, तो आपका किस तरह का दिखेगा, ये पीछे की तरफ आएगा, यानी कब प्लेन में नहीं दिख रहा है, तो ये एक्स वाई जेड प्लेन पूरा दिख रहा है, पक्का एक्स वाई जेड दिखेगा आपको इस जगह। फोर्थ, एक मैं ले रहा हूं डी
जो कि आपने खुद ने बताया था एक्स वाई एस पी एक्स पी वाई, बताइए ये कौन सा हो जाएगा डी एस पी टू। कहीं पे भी जेड आया क्या? नहीं आया। चार ऑर्बिटल है, बिल्कुल चारों को इस तरह से रखना है कि रिपल्शन मिनिमम हो। हाँ कौन सा प्लेन में रखोगे? एक्स वाई प्लेन, चारों को प्लेनर। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ये लीनियर होगा, ये प्लेनर होगा, क्या नाम आएगा इसका ट्रायगोनल प्लेनर, ये 3D में होगा एक्स वाई जेड तीनों आ रहा है, तो क्या नाम रखोगे टेट्राहेड्रल। ये भी प्लेनर है एक्स वाई प्लेन में ही, तो बताओ इसका नाम क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, तो ये हमारे स्क्वायर प्लेनर आ चुका है ये वाला। ये ट्राइगोनल प्लेनर एक्स वाई प्लेन में है लेकिन स्क्वायर थोड़ी ना बना है, ऑर्बिटल तो अरे यार ठीक है वो तो मैंने प्लेन बनाने के लिए बताया था, लेकिन बनेगा तो ट्रायंगल। आप देखो क्या दिख रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायगोनल प्लेनर बोलूंगा। स्क्वायर तो बस मैंने वो प्लेन बनाने के लिए बताया था कि इस प्लेन में, लेकिन ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल किस प्लेन में एक्स वाई में। तुम भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हो कभी कभी, मजा आ जाता है। ठीक है अब तो क्या पूछना चाह रहे हो, कुछ और पूछना? चार नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है एक बार ये पूरा कर लेते हैं ये टेबल। फिफ्थ नंबर पे मैं कौन सा ले रहा हूं आप समझ ही गए होंगे, एस पी एक्स पी वाई पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, इन दोनों का मिलना आसान है, इन तीनों को अलग बना रहा हूं, सही है। तो इन तीनों को अलग बना रहा हूं, तो ये तो तीन हो गए और ये इस तरह से हो गया, तो ये पहला दूसरा तीसरा, ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन, कौन सा हो गया एक्स वाई प्लेन, और ये दोनों मिलके जेड एक्सिस पे आ गए। तो कुछ खास बातें, इसमें एस करेक्टर बहुत कम आएगा, नहीं लग रहा आपको इसमें एस करेक्टर कितना ज्यादा आ रहा है, क्योंकि एस इसमें मिला है, इसमें थोड़ी ना मिला है, तो इसमें एस करेक्टर हाई रहेगा, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ एस करेक्टर, और यहां क्या रहेगा लो वैल्यू ऑफ एस करेक्टर। बस क्या नाम होगा इसका शेप का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये देखो पिरामिड ये बन गया, ये पिरामिड होता है ना, पिरामिड उसको बोलते हैं जो एक पॉइंट पे जाके उप मिलते हैं, लेकिन अगर जमीन के नीचे भी मिल रहे हैं ये तो उसको बोलेंगे बाय पिरामिड। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल, बहुत इजी है। अगर हम एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर और एक और ले लेते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, तो ये चार अलग मिलेंगे दो अलग मिलेंगे, तो आप खुद समझ गए अब हमारे पास कौन सा बनेगा इस जगह स्क्वायर बाय पिरामिडल।
तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, शॉर्ट फॉर्म में मैं स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऐसे भी लिख सकता हूं एस बी पी, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को टी बी पी। सही है क्या? आपको ऐसा नहीं लग रहा एक प्लेन में तो तीन ऑर्बिटल हैं और एक में यहां पर दो हैं? तो जो ये वाली पोजीशन होती है प्लेन में एक्स वाई प्लेन को, इसको मैं बोलता हूं इक्विटोरियल, और इसको मैं बोलूंगा एक्सियल, एक्सियल और इक्विटोरियल। कुछ कुछ चमका? तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आ रही है इक्विटोरियल, और ये एक लास्ट और कर देते हैं बाकी फिर हम छोड़ेंगे। एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर, और एक को ले रहे हैं हम यहां पर, क्या ले रहे हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। तो ये पांच अलग मिलेंगे दो अलग मिलेंगे, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल बन जाएगा इस जगह। इसको मैं इस तरह से बनाना चाह रहा हूं। ये सेंटर और ये थोड़ा सा और सही, सबसे अच्छा तरीका तो यही था। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा ये? यानी ये पांच ऑर्बिटल हमारे पास आ गए, एक दो तीन चार पांच, दो ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से हमारे पास जो बनेगा वो एक पेंटागोनल बनेगा, और क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ बनता है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, बोल पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप क्या लग रहा है आपको? कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं आ रही है? चलिए ठीक है, तो ये हमारे लिए सात एग्जाम्पल हो गए जो हमारे सिलेबस में है। देखिए ये एक टेबल बना रहे हैं हम, और इसको देखिएगा आप, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास है सीरियल नंबर, तो शुरू हो जाओ। फर्स्ट सीरियल नंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास दो, मिनिमम दो होंगे, एक से तो होगा नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड मान लिए दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जीरो, लोन पेयर जीरो। सही है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा एसपी, और ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर, और शेप भी क्या होगी हमारे पास, शेप हम थोड़ा सा यहां लिख रहे हैं शेप, और शेप भी हमारे पास क्या होगी लीनियर, और यहां पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो शेप हमारे पास क्या हो जाएगी लीनियर, हमने यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं लिखा अभी, पक्का पाई बॉन्ड वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमारे लिए क्या होगा टू प्लस टू। तो एग्जांपल क्या होगा हमारे लिए जल्दी से बोल दीजिए, मेरे लिए हो जाएगा इस जगह जहां सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर कुछ भी नहीं हो और पाई बॉन्ड भी कुछ भी नहीं हो, तो बीई सी एल टू, कोई भी आपके पास पाई बॉन्ड नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्या आप ऐसा कर सकते हो? सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल कैसा लेंगे हम,
सेकेंड एग्जाम्पल वही हाइब्रिड ऑर्बिटल टू सिग्मा बॉन्ड टू, लेकिन एक पाई बॉन्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, कितना, एक एक पाई बॉन्ड अगर हम ले रहे हैं और लोन पेयर अभी भी हम जीरो ले रहे हैं, जीरो लोन पेयर, और हमारा हाइब्रिडाइजेशन एसपी ही रहेगा और ये लीनियर रहेगा क्योंकि मैं लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलता हूं, कोई डाउट नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते, तो लीनियर हमारे पास शेप भी क्या रहेगी, लीनियर। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर एक पाई बॉन्ड हो और 10, तो एक आर्टिफिशियल क्वेश्चन बन जाएगा मेरे लिए कि यार ऐसा कंडीशन तो तभी हो सकती है जब पाई बॉन्ड भी हो, और पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, क्या कोई जेन्युइन एग्जाम्पल बनेगा जहां पाई बॉन्ड भी हो और हमारे पास इस तरह से हो जिसकी वैलेंसी 2। तो मैं सोचता हूं बोरोन ने, सपोज इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिया और एक क्लोरीन बना लिया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 3 वैलेंसी है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकल बनाया जाए तो यही बन सकता है, समझ रहे, तो नॉट स्टेबल। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि इसके लिए बना सकते हैं एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो यही हमारे पास हो सकता है, एक पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट स्टेबल। लेकिन हाँ, हमारे थर्ड नंबर का जो है 2, तब हमारे लिए लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 हम ले रहे हैं, लोन पेयर ले ही नहीं सकते अभी हम इसमें, क्योंकि लोन पेयर लेते ही लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा आपके पास, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर लेते ही आपके पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी 2। मैं हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करना चाह रहा, मेरा आंसर क्या हो रहा है, एसपी अभी भी लीनियर रहेगा, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरे लिए हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सीओ टू, हाँ या ना, सही है, तो क्या ये हमारे लिए सीओ टू सीओ टू हो जाएगा, क्लियर है, तो ये हमारे लिए रहेगा नॉट स्टेबल, मैं आपकी बात मान रहा हूं। क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, ठीक है, तो इसका कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फोर्थ, टू, मान लिया आपने 2 है, अब आप 2 सिग्मा से 3 पाई बॉन्ड तो नहीं बना सकते, हाँ या ना, तो इसका मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हो कि अब आपको चेंज करना पड़े हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितना लोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3, यस, अब तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ाना ही पड़ेंगे आपको, जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ा रहे हो तो आपके पास दिमाग में रहेगा 3 के 3 ही आप क्या ले लोगे, सिग्मा बॉन्ड, 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड ले लिया आपने, पाई अभी 0 है, लोन पेयर आपके पास क्या है, अभी लोन पेयर आपके पास 0 है, यहां एसपी 2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्योंकि 3 है, तो एसपी 2, यहां आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, और यहां आपके पास जो एग्जाम्पल बनेगा वो हो जाएगा इस जगह, कोई भी ले सकते हो, बोरोन सीएल सीएल सीएल, अब आपके लिए बिल्कुल सही है, BCl3 बनता भी है, एग्जिस्ट भी करता है, सब कुछ सही है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर का आपने 3 लिया, सिग्मा बॉन्ड आपने 2 कर दिए, नहीं सॉरी, अभी आप यही कर रहे हैं, 3, और पाई बॉन्ड आपने 1 कर दिया, लोन पेयर अभी आपके पास 0 है, sp2, और अब आप बताइए आपके पास क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन एक बात जो तय है वो है कि इस पाई बॉन्ड की वजह से वैलेंसी 4 हो गई, तब बोरोन से 4 आगे वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा जो 4 वैलेंसी शो करता है, कौन है, कार्बन, तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा आपके लिए, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ माइनस, 4 वैलेंसी है और आपके पास एक पाई बॉन्ड लेना जरूरी है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, जैसा कि ये यहां पर एग्जाम्पल है। 6 नंबर का आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड बढ़ा दिए 2 0 एसपी 2 ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर, अब आप बताइए वैलेंसी कितनी हो जाएगी,
चार से भी एक ज्यादा हो गई, पांच। पांच वैलेंसी कौन शो करेगा? सेकंड ग्रुप तो नहीं करेगा, भूल जाओ। थर्ड पीरियड पे जाओ, सेकंड पीरियड नहीं करेगा, थर्ड पीरियड पे जाओ। थर्ड पीरियड में कौन आएगा? फास्फोरस। बिल्कुल सही पकड़े हो आप, फास्फोरस। तो फास्फोरस ले सकता है दो वैलेंसी और दो पाई बॉन्ड हमारे पास आ गया, और एक हमने ले लिया कोई भी फास्फेट आयन, दिस ओ माइनस, या फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी ले लीजिए आप। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास जैसा भी ये एग्जाम्पल यही बनेगा। और अब आगे सेवेंथ ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। सेवेंथ आपके पास आ रहा है थ्री थ्री सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने ले रहे हो? थ्री लोन पेयर, जीरो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अब आपके पास सिक्स वैलेंसी हो गई, कौन सही रहेगा सिक्स वैलेंसी के लिए? सल्फर। तो सल्फर के लिए ओ माइनस की वैलेंसी कितनी होती है? वन, और ओ की टू। तो जब मेरे को डबल, मेरे को सिक्स वैलेंसी चाहिए, तो मैंने दो 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 सबको दे दिया, SO3। अब वापिस आते हैं हम एट्थ पे, हमारे पास कितना लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल? हमने अब भी तीन ही लिया है। अब आप कहेंगे सर पाई तो ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, सिग्मा बॉन्ड मैंने ले लिया तीन की जगह दो, और पाई बॉन्ड जीरो, और एक लोन पेयर लिया पहली बार, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एसपी टू। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एसपी टू। और अब आप ही देख लीजिए इस जगह, अगर एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, तो कौन सा सही रहेगा? आप भी सोच रहे होंगे सर ये कैसे ले सकता है। तो मेरे पास ये मान लिया दो और एक लोन पेयर ले लिया मैंने, या तो ये कार्बिन होगा, अमोनिया के पास तीन बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, मुझे एक दो बॉन्ड पेयर और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया मैंने, तो ये कार्बिन है। कार्बिन में एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है, बैंड शेप हो गई, वो समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? बैंड शेप, कार्बिन हो गया। और ये क्या हो जाएगी? बैंड शेप नहीं, ज्योमेट्री तो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही कहलाएगी, शेप चेंज हुई है पहली बार, और क्या हो जाएगा? ये बैंड। अब आप थोड़ा और आगे जाए, एट्थ की जगह नाइन्थ पे आ जाए आप, थ्री टू वन वन, आपने पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने से हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा। कौन सा एग्जांपल होगा जिसमें पांच इलेक्ट्रॉन आ जाए आपके, कैसे भी करके पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो आपके पास आ गया, बिल्कुल सही है। पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? दो सिग्मा, एक पाई और एक लोन पेयर, तो दो तीन चार पांच, पांच, और पाई भी होना चाहिए, समझ में आ रही है बात? तो मेरे लिए पांच वाला और लोन पेयर के साथ अगर कोई बनता है, तो मैं फास्फोरस डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस और एक लोन पेयर, तो दो तीन चार पांच, और कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इसके अलावा। क्या ये नाइट्रोजन ले सकता हूं मैं? हाँ, नाइट्रोजन भी ले सकता हूं मैं, एनओ टू माइनस, सही है? तो ये NO2 माइनस भी ले सकता हूं मैं, पांच इलेक्ट्रॉन तो तभी आएंगे। तो बताइए ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगी, लेकिन शेप क्या हो गई यहां पर? बैंड। ये शेप दिख रही है आपको? बैंड दिखेगी, यानी ट्राइगोनल प्लेनर में आपने क्या किया, एक जगह ये ट्राइगोनल प्लेनर था, एक जगह क्या लगा दिया? लोन पेयर, तो क्या बनेगा? बैंड शेप। तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपके क्लियर है। वैलेंसी पांच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच है, एक दो तीन चार पांच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होने चाहिए, और वैलेंसी कितनी दिखनी चाहिए? तीन, क्योंकि दो सिग्मा और एक पाई। कुछ कुछ समझ में आया? ऐसे चल रहा है। तो अब वापिस हम टेंथ नंबर पे आते हैं, थ्री टू टू लोन पेयर वन। अब बताओ, तो यहां हमारे पास लोन पेयर हमने एक ले रखा है, तो इस जगह हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? दो और एक एसपी टू। पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे ये पता चल जाएगा आपके पास कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दो दो चार और छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे?
सल्फर के पास ही, और किसी के पास तो होंगे नहीं, तो मैं इस जगह सल्फर का ही एग्जाम्पल ले पाऊंगा। ये मैंने सल्फर का एग्जाम्पल ले लिया, कितने मेरे को सिग्मा मिल रहे हैं, दो, ये ओ और ये ओ, और पाई बॉन्ड भी कितने लेने हैं मेरे को, दो, और लोन पेयर भी कितना लेना है, एक, बैंड शेप, बैंड शेप ही दिखेगा आपको, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई डाउट? पाई बॉन्ड को हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करते, तो यहां पर एक दो तीन sp2 हाइब्रिडाइजेशंस फिक्स है आपका, बैंड शेप भी फिक्स है। कोई दिक्कत इसको समझने में? शॉर्ट लॉक कर दें, लिखो इसको। कुछ और एग्जांपल करते हैं, हमने 10 तक कर लिया, ठीक है, अब 11th पे आते हैं। हम क्या कर चुके हैं, तीन वाले केस सारे ले चुके हैं, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल चार, सिग्मा बॉन्ड मान लो चार, पाई बॉन्ड जीरो, लोन पेयर जीरो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, और एग्जांपल आपके पास कौन हो जाएगा, यहां पर इस जगह आपके पास हो जाएगा, कोई भी ले लीजिए एग्जांपल, मैं ले रहा हूं मिथेन CH4, सबसे इजी मुझे वही लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, श्योर? ये हमारे पास हो गया 10, तो कौन सा हो गया, CH4, 12th नंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल चार चार, पाई बॉन्ड में ले रहा हूं यहां पर जानबूझ करके, अब एक जीरो sp3, सही है, तो ये हमारे पास लोन पेयर बता रहा है, तो बताइए टेट्राहेड्रल होगा या नहीं होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर चार सिग्मा बॉन्ड आ रहे, पाई बॉन्ड तो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से अब वैलेंसी कितनी हो गई, चार और एक पांच, कौन सा एग्जांपल है आपके लिए पांच का, जल्दी से बताइए। ये तो आपके पास CH4 का था, H, 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 अब बताइए इसके लिए कौन सा एग्जांपल बनेगा, जल्दी से, फास्फोरस, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, पांच हो गए, दिख ही रहा है, और एक पाई बॉन्ड बढ़ा है, तो चलिए थोड़ा सा और करते हैं, 13 नंबर, 4 4 2 0 sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, एक और वैलेंसी बढ़ेगी, कौन बनेगा, सल्फर, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, अब जरूरी नहीं है अब एफ भी ले सकते हो, ओ माइनस की जगह एफ ले लो, टेट्राहेड्रल रहेगा ये, लुक टेट्राहेड्रल लाने के लिए आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एफ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, हो गया टेट्राहेड्रल। 13 14 4 4 3, पाई बॉन्ड और बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, लोन पेयर जीरो, sp3, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, शेप क्या लोगे यहां पर, जल्दी से बताइए, सल्फर की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, आयोडीन, क्लोरीन भी ले ले, क्लोरीन लोगे आप, मानोगे नहीं, ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, कौन सा आयन है, क्लोरेट, पर क्लोरेट आयन, सही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब 15 कितना ले रहे हैं आपको, 15 के अंदर 4 4 4 0 sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो अब आपके पास एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास था ClO4, ये आपके पास था SF2O2, ये आपके पास था PO4-3, ये आपके पास था CH4, अब आप कौन सा लेना चाह रहे हो, टेट्राहेड्रल के साथ ही, अब तो ज़ीनोन पे जाना ही पड़ेगा आपको,
तो जीनोन के साथ कौन सा लोगे आप, जल्दी से बताओ, एक्सी, हाँ या ना? एक्सी के साथ क्या रहेगा आपके पास, कितने ऑक्सीजन चाहिए आपको, चार। ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, एक्सी ओ फोर, चार सिग्मा चार पाई। लेकिन अब आप चाह रहे हो वापिस 16 नंबर पे, चार हो सिग्मा कम हो जाए, सिग्मा तीन पाई जीरो, लोन पेयर एक लेंगे अभी आना नहीं तो दो। तो ये कितना हो जाएगा, एसपी थ्री रहेगा, तीन और एक चार, तो ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और ये क्या हो जाएगा आपके पास अमोनिया, बहुत देर से वेट कर रहे थे आप अमोनिया का, एन एच 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 और ये लोन पेयर, सही है। यानी एक दस, थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं 17 नंबर पे, चार की जगह चार, पिरामिडल हो गया, बिल्कुल सही है, एक दो तीन। लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा पिरामिडल, पिरामिडल। अब आगे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल चार लिए, सिग्मा बॉन्ड हमने कितने लिए तीन, पाई बॉन्ड एक, लोन पेयर भी एक, तो पाई बॉन्ड बढ़ गया, उसे हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, शेप में कोई फर्क, ज्योमेट्री पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, शेप पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पिरामिडल ही रहेगा, लेकिन वैलेंसी बढ़ गई, कितनी वैलेंसी हो गई, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तीन और एक चार पांच छह, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सीधे, कौन सा जाएगा, तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन सल्फर में है, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है सल्फर के अंदर छह सल्फर, कितने सिग्मा चल चाहिए तीन, पाई कितने चाहिए एक, तो बाकी के माइनस कर दो, और लोन पेयर कितने चाहिए एक, एसओ थ्री माइनस टू, समझ में आ गया कैसे हम बना रहे एग्जांपल, 17 18 4। अब पाई बॉन्ड और बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा दो, कौन मना करेगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा, मैं लोन पेयर बढ़ा रहा हूं, तो आपके पास कितने हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे अब दो, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे दो, नहीं पाई बॉन्ड जीरो, दो लोन पेयर, पाई बॉन्ड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एसपी थ्री, लोन पेयर प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल 10, हाँ या ना? तो बताइए क्या हो गई शेप, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या रहेगी आपकी बैंड, क्योंकि हमारे पास पिरामिडल में एक और लोन पेयर आ चुका है, तो पिरामिडल में अब पहले ही था एक और लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो बैंड शेप क्या बन जाएगी, बैंड शेप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो एक मिनट, सिग्मा के दो प्लस जीरो प्लस चार, क्योंकि लोन पेयर चार के बराबर है, चार और पांच छह, कौन जा रहा है छह वाला ऑक्सीजन, तो मेरे पास ये बनेगा ओ एच एच, दो लोन पेयर और ये एच टू, आपको भी यही लग रहा है, चलिए इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 19 4 2 1 2 एस पी थ्री, क्या जाएगा आपके पास टेट्राहेड्रल और बैंड ही रहेगा, पाई बॉन्ड बढ़ा दिया, तब इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ाना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो ऑक्सीजन से ऊपर जाएगा, कौन जाएगा हैलोजन, हैलोजन विद पाई बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की जगह क्या लिख दो क्लोरीन, डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर कुछ भी लगा दो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन कुछ भी लगा दो, या ओ माइनस ही लगा दो, सीएलओ टू माइनस, क्या आपको लग रहा है बैंड शेप होगा, दो लोन पेयर, दो दो चार पांच छ सात, बिल्कुल सही है बैंड शेप, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशंस,
ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दो सिग्मा एक पाई दो लोन पेयर। चमक रहा है दिमाग में कुछ? एनी डाउट? आ गया समझ में? कोई भी डाउट है पूछो, मैंने आपको पहले भी बोला था आप जितना डिस्कस करोगे मुझे अच्छा लगेगा। आपके डाउट सबके डाउट हो जाते हैं कॉमन। कुछ पूछना है? श्योर? लॉक समझ में आ गया? तो ये हमारे पास हो गए 19 तक के एग्जाम्पल। एक और लास्ट 20 हम करते हैं। क्या हम अभी भी पाई बॉन्ड बढ़ा सकते हैं? देखते हैं। 4 2 सिग्मा 2 पाई लोन पेयर भी 2 sp3 शेप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, बैंड ही रहेगा, पाई बॉन्ड बढ़ गया। दो सिग्मा दो पाई कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 से और बढ़ जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड और बढ़ने वाला है। तो ज़ीनॉन जाएगा XCO2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर दो सिग्मा दो पाई XCO2 और न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ माइनस आएगा क्यों? क्योंकि मुझे एक वैलेंस ही चाहिए थी, या मैं वहां पर फ्लोरीन अटैच करता, लेकिन मुझे ओ माइनस अच्छा लगता है और देखने को भी मिलता है कि एक एक तरह से कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन का नाम तो सुना ही होगा, HClO2, एक एसिड है क्लोरिक एसिड, सॉरी क्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड है जिससे क्लोराइड आयन बनता है। 8 से आइड बनता है और 1 से एड बनता है। तो आपको मैंने कितने एग्जाम्पल बता दिए? 20। अच्छे से समझ में आ गया? उतारिए। तो हमने कहां तक करा? 20 तक कर लिया। 21 हाइब्रिड ऑर्बिटल अब हम बढ़ा रहे हैं, कितने? 5, जिसमें पांचों के पांचों सिग्मा पाई 0 लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d। श्योर? लॉक कर दें। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। आपको क्या लगता है? 5 बॉन्ड बनाने हैं आपको, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ये आ जाएगा 5। मुझे इसका एग्जांपल लग रहा है PCl5, PCl5, यस और नो? आपको भी यही लग रहा है? ये वाली जो पोजीशन होगी ये क्या कहलाएगी? इक्विटोरियल। पक्का? 3 इक्विटोरियल और एक्सियल, वो एक्सियल ऊपर वाली, सही है। अब आगे 22, आप समझ ही होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल 5, सिग्मा बॉन्ड 5, पाई बॉन्ड 1, लोन पेयर 0, sp3d। लिखते जाएं मेरे साथ, बहुत स्पीड से चलना है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और एक आपने अगर डबल बॉन्ड ले भी लिया तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा जो भी डबल बॉन्डेड है वो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से, मान लीजिए ये ऑक्सीजन से। बाकी आप चाहो तो O माइनस F, F कुछ भी लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो। तो बताइए बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा? कितनी वैलेंस है? 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन ग्रुप का ही कोई होगा, सल्फर। तो कौन सा हो जाएगा? SO3 F2 -2, क्योंकि दो ऑक्सीजन माइनस टू की है। तो बहुत इजी वे में आपने बता दिया, यहां पर कोई डाउट नहीं है। श्योर? लॉक कर दें। तो ये हमारे पास एक बहुत इजी पॉइंट रहा। 22 23, हाइब्रिड ऑर्बिटल आप कितने ले रहे हो? 5। अब आप समझ ही गए, सिग्मा बॉन्ड कितने ले रहे हो? 5, पाई बॉन्ड और बढ़ा दिया 2, लोन पेयर 0, sp3d, टेट्रागोनल बाय पिरामिडल, टेट्रागोनल बाय पिरामिडल। क्या जाएगा इसका एग्जांपल? जल्दी से बताएं। मेरे को एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स पे लेनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन से ऊपर कौन सा जाऊंगा? क्लोरीन। तो आप ही खुद सोच लीजिए, क्लोरीन में नहीं लूंगा मैं, आयोडीन लेने की कोशिश करूंगा। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, दो ओ हो गया, एक ओ माइनस ले लेता हूं, एक फ्लोरीन ले लेता हूं, एक फ्लोरीन ले लेता हूं। समझ में आ रही है बात? तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका?
आई एफ टू ओ थ्री माइनस, इस तरह का कोई कंपाउंड बनेगा, सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो दो चार पांच छह सात, और वो आयोडीन में, आयोडीन या सेंटर एटम बनेगा। फिर फ्लोरीन को मत बनाना, क्योंकि बड़े एटम पे छोटे एटम चिपकना आसान होते हैं, छोटे पे बड़े नहीं चिपकते। ठीक है, तो 24 5 5 पाई बॉन्ड मैंने थ्री ले लिया, जीरो एस पी थ्री डी ही रहेगा, टेट्रागोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा, और टेट्रागोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा। अब आपको क्या लग रहा है, जीनोन, मुझे भी वही फील आ रही है जीनोन की, कि फ्लो आयोडीन से ऊपर वही जाएगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो क्या बनेगा एक्स सी एफ टू ओ थ्री 25 25। अब इससे ज्यादा नहीं ले सकता मैं पाई बॉन्ड, क्योंकि आठ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सके, जीनोन से ऊपर मत भागो, आप कोशिश यही करो आप कि चेंज कर जाए, या आप फाइव ही ले लो, पाई बॉन्ड को कम कर दो, पाई बॉन्ड को कितना कर दिया जीरो, लोन पेयर को तो बढ़ा के देखें एक बार, तो लोन पेयर बढ़ा दिया एक, एस पी थ्री डी, कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी, वही रहेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन यहां चेंज हो जाएगा एक लोन पेयर आते ही सी सो। ये कैसा होता है सी सो, देखिए एस आप जानते हो, ये आपके पास थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक जगह लोन पेयर लगा दिया आपने, ये लोन पेयर लगा दिया आपने, तो ये जो वो झूला होता है सुई सो जिसपे आप झूलते हो वैसी स्ट्रक्चर बनेगी, और इसका एग्जांपल मान लीजिए एफ 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 एफ, तो एस एफ ओ, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, पांच के पांच, गलती हो रही है, यहां चार करना पड़ेगा आपको, चार और एक पांच, पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, आप शुरू से कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, सही बोला, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लोन पेयर का इजीली आप काउंट कर रहे हैं, यहां पर कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं आ रही है। 25 26 में लेते हैं हम, 26 5 4, एक पाई बॉन्ड और बढ़ा देंगे, चलो पाई बॉन्ड बढ़ा दिया आपने 1, आपका क्या जाएगा एस पी थ्री डी ही रहेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा, सी सो ही रहेगा, और सल्फर की जगह आपको अब क्या लिखना पड़ेगा आयोडीन, एक पाई बॉन्ड बढ़ाना है आपको, ऊपर एफ नीचे एफ, बगल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बगल में चाहो तो ओ माइनस डाल दो या वो भी एफ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मैंने मना कर रखा है सबको, आई एफ टू ओ टू माइनस, बस सी सो स्ट्रक्चर, सही है। तो ये आपके पास पूरी एक टेबल और हो गई, चलो ठीक है, तो कौन से नंबर तक अपन ने कर दिया 26 कर लिया, 27 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब आप कितने लोगे जल्दी से, 26 27 आपके लिए हो जाएगा, अभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे, वही हमारे पास पांच, सिग्मा बॉन्ड जल्दी से बोलो, मैं चाहता हूं तीन, पाई बॉन्ड जीरो, लोन पेयर दो, और इसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास एस पी थ्री डी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप टी शेप, वेरी गुड। तो पहली बार हमारे लिए टी शेप इंट्रोड्यूस हो रही है, और ये हमारे पास आएगी कुछ इस तरह की, तो यहां लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो यहां पर आपके लिए कौन अच्छा रहेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बीच में क्लोरीन ले लेते हो तो सी एल एफ थ्री, या क्या बन सकता है आई एफ थ्री भी हो सकता है या आई सी एल थ्री भी हो सकता है, तो कोई भी लिख सकते हो। 28 में आपके पास वही 5 3 3 की जगह मैं थोड़ा ले रहा हूं 2 0, लोन पेयर मैंने ले लिया 3, कितना ले लिया लोन पेयर, ज्यादा ले सकता हूं मैं, ले सकता हूं इस जगह,
और आंसर हो जाएगा sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और यहां शेप जो बनेगी वो मेरी बनेगी लीनियर। यानी अब आप समझ जाना कि ये हमारे पास था, तीनों जगह हमने लोन पेयर ले लिया, ये पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। तो यहां फ्लोरीन XeF2 लेना ही पड़ेगा आप आपको, क्योंकि दो दो चार दो छः और एक सात और एक आठ, आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, जीनोन में होंगे। सही है, या एक काम करो आप ऐसे भी ले सकते हो, Cl ले लो। अब क्या करें, Cl ले लिया तो Cl एक O माइनस ले लो और एक तरफ F ले लो, अपने आप आपको दिख जाएंगे। Cl O माइनस नहीं जा पाएगा, दिक्कत आएगी आएगी। ये कर सकते हो, आई माइनस और दोनों आयोडीन। अब आयोडीन माइनस जीनोन हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी हो गया। इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखोगे आप, I3-। तो जब भी इस तरह का I3- आ जाए तो माइनस चार्ज कहां लगाओगे, सेंटर एटम पे, और फिर उसको जीनोन की तरह। तो एक और एग्जांपल हो गया I3-, लिखो I3-, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। I3- में कौन सी शेप होगी, लीनियर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शेप क्या होगी, लीनियर। कितने पाई बॉन्ड होंगे, जीरो। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, दो। लोन पेयर कितने होंगे, तीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेंटर एटम पे आठ हो गए, ठीक है। आठ में से अगर आपसे पूछा जाए तो अब कितने हो जाएंगे आफ्टर बॉन्डिंग, दो दो चार दो छह सात आठ नौ दस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दस, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, कुछ लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास 27 के बाद क्या हो जाएगा, 28। अब मैं सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहा हूं, सिक्स पाई बॉन्ड कितने लेना चाह रहा हूं मैं, जीरो। लोन पेयर जीरो, एस ई थ्री डी टू स्क्वायर बाय पिरामिडल, और आपके पास इसका काम खत्म। उसको तो अलग ही लिख लीजिएगा, IF2 XCF2। यहां कौन आ रहा है आपके पास 28 पे, स्क्वायर बाय पिरामिडल में, अभी भी स्क्वायर बाय पिरामिडल ही रहेगा। आप ही सोच लो, छह बॉन्ड पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, छह। SF6 क्या बात है, ये हमारे पास फ्लोरीन 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 SF6 29। थोड़ा सा और, सिक्स सिक्स लोन पेयर भी लेना चाह रहा हूं मैं, तो क्या करा जाए, फाइव पाई बॉन्ड। चलिए आप मानेंगे नहीं, एक पाई बॉन्ड के साथ ले लो, sp3d2 स्क्वायर बाय पिरामिडल स्क्वायर बाय पिरामिडल। कौन सा एग्जांपल याद आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 28, ध्यान से देखो, वो प्लस वन है और यहां पर प्लस वन है, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया ना, वन दिख नहीं रहा तेरे को, ठीक है कोई बात नहीं, चश्मा लगेगा पक्का वाला, इसका लग चुका है ना, मैं पहले ही बोला था लगेगा तेरे को। स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो अब ये बताइए, ये तो सल्फर था, अब मेरे को सल्फर से ऊपर जाना पड़ेगा, कौन लूंगा मैं, आयोडीन। तो आयोडीन लेना है मेरे को, और फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और क्या कर सकते हो। सही है, इसके ये क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसको क्या बोलोगे, ऑक्टाइडल। तो जब आप इसको ऑक्टाइडल बोलोगे तो ये सिमेट्रिकल भी होगा, जरूरी नहीं है ये डबल बॉन्ड यहां लगाओ, यहां 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 कहीं पे भी लगा दो, सब आइडेंटिकल पोजिशन। ऑक्टाइडल टेट्राइडल आइडेंटिकल होते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आइडेंटिकल नहीं होते, उसमें इक्विटोरियल और एक्सियल केस बनेगा। तो ये हमारे पास सिक्स हो गया, 30 तक हो गए। अब बात करें 31, सिक्स
पाई बॉन्ड में जीरो ले रहा हूं, लोन पेयर एक ले रहा हूं, और आपके कहने पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास वापस आ जाएगा एसपी 32 स्क्वायर बाय पिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर आते ही स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। तो स्क्वायर पिरामिड बनते ही कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच, और एक लोन पेयर सात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं सात। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात किसमें आएंगे, आयोडीन में, और किसमें, तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। क्या और ज्यादा ला सकते हैं, 32 6502 sp3d2 स्क्वायर बाय पिरामिडल, अब ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो यहां हमारे पास कौन आ जाएगा, जीनोन, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, सही है। इससे ज्यादा लोन पेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा और वैसे भी आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं जीनोन में, समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा आप नहीं जा पाओगे। यानी आप चाहो कि 3 और 10 एक बार लिख तो लो आप, 6 3 0 3 sp3 d2 नॉट पॉसिबल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इज वेरी हाई। बेटा यह इक्वल इक्विटोरियल और एक्सियल नाम की कोई चीज है ही नहीं स्क्वायर बाय पिरामिडल में, तो मैं लोन, हाँ नहीं है, यहां तो सब जगह इक्विटोरियल एक्सियल बराबर है। आप देखो ये एक्सियल हो सकती थी तो ये अपने आप ही क्या बन जाता बाकी के, इक्विटोरियल, इज दैट क्लियर। तो देखा जाए तो यहां कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में ऑक्टाइडल है। ऑक्टाइडल को आप कैसे भी पकड़ो, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखिएगा ये मेरे पास ऑक्टाइडल है, समझना, अब आपको ऑक्टाइडल समझ में आएगा। ये इस जगह मान लीजिए ये मेरे एक्सियल है, तो ये 1 2 3 4 प्लेन में आ जाएगी, और मैंने अगर इसको इन दोनों को बनाना चाह रहा हूं तो ये भी बन सकती है 1 2 3 4 किन्हीं भी दो अपोजिट को पकड़ लो, आपको अपने आप ही सभी स्ट्रक्चर एक्सियल और सभी इक्विटोरियल दिख रही है, समझ में आ रहा है। तो ये 3D में आपने पकड़ लिया इसको तो भी ठीक है, आपने पकड़ लिया इसको तो बाकी की दोनों जो चारों बची है 1 2 3 4 वो एक प्लेन में दिखेगी यूं, और आप चाहो तो इन दोनों को भी पकड़ सकते हो, तो बाकी की बची कितनी 1 2 3 4 ये एक प्लेन में आ जाएगी, और ये इस तरह से आपके पास वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, इक्विटोरियल। तो हर एक इक्विटोरियल है, हर एक एक्सियल है। बस एक बात ध्यान रखता हूं कि जब दो लोन पेयर लगाता हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूं जिससे उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो सके। तो बताइए, चलो मैं आपसे इसमें पूछ लेता हूं, वैसे तो ये केस स्टडी होगा, इसमें 90 डिग्री वाले कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, 8, 1 2 3 4 चार इसकी वजह से, और 5 6 7 8 प्रैक्टिकली करोगे तो 0 क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा शिंक हो जाएगा, नहीं थ्योरेटिकली करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 8। आपको आंसर क्या देना चाहिए, थ्योरेटिकल जो एनसीईआरटी बोलती है, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल में मत जाओ। हाँ बिल्कुल, यहां कौन सा, तो लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर नहीं, वो इतना दूर है, एक ही एटम के दो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, आजू बाजू वाले एटम के लोन पेयर में इतना नहीं देखना मैं, क्यों नहीं है, यहां पर इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो पॉसिबल है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कंपाउंड इस तरफ बनाना पड़ेगा मेरे को, वो तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, इसका कंपाउंड आपके पास ये आएगा एक्सी, आप देखिए, और आप चाहते हो कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर हो, पहले तो एक्सी माइनस करो जीनोन क्योंकि आपको 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब लोन पेयर लगाओ आप, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर इधर बगल में, और फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 2
तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ इलेक्ट्रॉन है, जीरोन में कितने होते हैं आठ, तो नौ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो एक तो जीनोन पे आप नेगेटिव चार्ज लाके बेवकूफी कर रहे हो ऑक्टेट को तोड़ के, और दूसरा लोन पेयर रिपल्शन भी क्या है बहुत ज्यादा है, तो दोनों कारण इसको बनने नहीं देंगे। ठीक बेटा, पहली बात तो ये क्यों नहीं है स्टेबल, फिर हाँ तो क्या दिक्कत है? अरे वो लोन पेयर, देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन किस पे निकल रहा है, आयोडीन पे, आयोडीन के लोन पेयर कितने हैं एक, औरों के कितने लोन पेयर है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। समझ में आ रहा है? वो बहुत डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो फिर इतना नहीं होगा। कोई और कोई डाउट? क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये हमारे पास हो चुका है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो हमने 33 तक कर लिया है, स्क्वायर भी कर लिया है। अब बात आ रही है, बहुत अच्छे दो एग्जाम्पल और है, तो देखिए आप नेक्स्ट, मैं इसी के लिए आगे ले रहा हूं। हाँ जल्दी से इसको देख लीजिएगा, थर्टी थ्री हमारे पास हो चुका है। तो देखिए हम कौन सा करने जा रहे हैं, 34 केस हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैं लेने जा रहा हूं सेवन, कभी ना कभी तो सेवन स्टार्ट करना ही था, 34। तो ये हमारे पास हो गया सेवन, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सेवन, पाई बॉन्ड जीरो, लोन पेयर जीरो, हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी डी थ्री, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब आप खुद ही सोचिए आपको कितने बॉन्ड चाहिए, सात, तो कौन बनेगा, आयोडीन फ्लोरीन, मतलब इस तरह से बनाना, पांच, एक दो तीन चार पांच, और एक ऊपर एक नीचे, तो आई एफ सेवन पेंटागोनल बाय पिरामिडल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, और ये पिरामिडल आपके पास आ जाएगा, तो IF7 आपके पास मिलेगा। ये सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है ये वाला 35। हमने ले लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने ले लिया छे, सॉरी सात, लेकिन सिग्मा बॉन्ड छे जीरो और एक, sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल ही इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन शेप के साथ इसके अंदर अलग ही कुछ आया, प्रैक्टिकल डाटा आया इसका स्क्वायर बाय पिरामिडल ही, लेकिन डिस्टॉर्टेड। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आया, क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, ज़ीनोन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये तो ऑक्टाइडल है या स्क्वायर बाय पिरामिडल, यही बोल सकते हो। तो लोन पेयर कहाँ है, लोन पेयर है इसके बाहर की तरफ, ऐसे निकलेगा जैसे कोई कैप पहनता है ना सर्कस वाले, वो जोकर वाली कैप, तो बाहर मोर पंख की तरह निकलेगा, यानी पंख की तरह ऊपर लगेगा। तो ये हमारे पास रहेगा, ये बाहर निकलेगा, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा शेप का, इसको मैं बोलूंगा, या तो इसको बोलूंगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल, या मैं बोलूंगा कैप्ड ऑक्टाइडल, कैप ऑक्टाइडल।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे वही लॉजिक को लेके हाइब्रिडाइजेशंस। देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था हाइब्रिडाइजेशंस का क्लासिफिकेशन किया था और लगभग 35-36 टाइप्स के अपन ने करे थे, कंसीडर करे थे। आज हम बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल देख के हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, यानी डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन इन गिवन मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशंस इन मॉलिक्यूल कैसे हम देखते हैं, सबसे पहला हम किस कंसेप्ट से चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम करेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे अच्छा तरीका रहेगा। दूसरा, जब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अगर हमें पता चल जाती है तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वो लोन पेयर जो नॉट पार्टिसिपेट कर रहे हो इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस। अभी हमारे को इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। थर्ड, हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम सब चीजें बता देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, जैसे कि हम आराम से बता सकते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आने के बाद हमारे पास डिपेंड करता है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल दो है तो एसपी तीन है, एसपी टू चार है, एसपी थ्री और इसी तरह से पांच है, तो एसपी थ्री डी छः है, एसपी थ्री डी टू और सात है, तो एसपी थ्री डी थ्री। हम बहुत आसानी से सोच सकते हैं, पक्का। लेकिन हमारे पास वापस आ रहा है कि हाउ कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारे पास मेन टारगेट आ रहा है। हाउ कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये हमारा मेन पॉइंट हो रहा है। तो मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूल में डिसाइड करो सबसे पहले कि वैलेंस मतलब सेंटर एटम कौन है। तो फर्स्ट पॉइंट, जनरली सेंटर एटम हम डिसाइड करेंगे, डिसाइड द सेंटर एटम इन मॉलिक्यूल। कौन सा हमें डिसाइड करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जनरली सेंटर एटम वो होता है जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा हो, समझ में आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो थर्ड या फोर्थ सिक्स पीरियड का है तो वो सेंटर एटम होने के उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसकी वैलेंसी ज्यादा है। तो जनरली हम बात कर सकते हैं, जनरली मोर वैलेंस सी एटम एंड लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज सेंटर एटम। सी ए का मतलब सेंटर एटम, ये हमारे पास सेंटर एटम हो गया। फिर उसके बाद हम उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोई, हाँ फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। तो बहुत आसान ही है कि उसके वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और ये किसके इक्वल होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। फिर उसके बाद बहुत ईजी वे में थर्ड पॉइंट में हम निकाल सकते हैं कि उसके पास लोन पेयर कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है तो लोन पेयर निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या कर देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी, कितने वैलेंसी उसने यूज कर ली, डिवाइडेड बाय टू। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, लोन पेयर में। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी कंसेप्ट है कि हाउ कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो हम पहले ये पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि सेंटर एटम कौन है, उसके पास कितने लोन पेयर हैं, उसके पास कितनी वैलेंसी है, वैलेंसी है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये भी हमारे लिए बहुत आसान है।
अगला पॉइंट जो हमारे लिए काम आएगा, श्योर करें, लॉक करें अमन। हटा दूं मैं ये, तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा फोर्थ नंबर पे, कुछ खास पॉइंट जैसे ऑक्सीजन एटम जन ऑक्सीजन एटम यानी सिंगल ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड से जुड़ती है। दूसरा पॉइंट फिफ्थ, हाइड्रोजन हैलोजन्स, ये जो जनरली है हाइड्रोजन फ्लोरीन ओ माइनस ऑलवेज अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट सिक्स, जो भी आपके पास चार्ज है वो जनरली आप सेंटर एटम पे लगा के आप काम चला सकते हैं, ठीक है। एप पे कभी नेगेटिव चार्ज मत लगाना, भले उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एप पे नेगेटिव लगाने से क्या दिक्कत आएगी, उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो इनर्ट गैस हो जाएगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे लिए सिक्स पॉइंट जो बनेगा वो रहेगा यहां पर, तो हमारे लिए यहां पर रहेगा कि एफ एच ओ माइनस हमेशा अटैच सिंगल बॉन्ड होंगे एंड दे आर कॉर्नर एटम, एंड दे आर कॉर्नर एटम। तो ये कॉर्नर एटम ही बने रहेंगे हमारे पास, कभी भी इनको, हाँ बेटा ओ माइनस है, अंतर है, ओ माइनस क्या बन जाएगा, हेलोजन, एफ बन जाएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या वैलेंसी कितनी बनी रहेगी, वन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, सात। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आएंगे जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम ये बहुत अजीब सा है, इसके केस में क्या होगा, सिंगल नाइट्रोजन एटम है, उससे पहले एक लाइन और लिखानी पड़ेगी, अगर एच एटम जनरली डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन, अटैच्ड विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से अटैच होने की टेंडेंसी रखेगा एंड जनरेट ओएच ग्रुप विच हैविंग वन वैलेंसी रहेगी उसकी। यानी जब भी आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आप कोशिश करिए कि उस ऑक्सीजन को कहाँ, उस हाइड्रोजन को कहाँ अटैच करें, ऑक्सीजन से, और एक ओएच ग्रुप बना दीजिए। फिर भी अगर हाइड्रोजन बच रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गए, तो फिर तो वो सिंगल वैलेंसी के साथ अटैच होंगे यहाँ पर, सही है। तो ये हमारे लिए बच रहा है हाइड्रोजन एटम जनरली डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन एंड जनरेट ओएच ग्रुप विच हैविंग वन वैलेंसी। कितना इजी है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए और आपका काम आराम से होता चला जाएगा। फिर प्रैक्टिस मेरी आपको और अच्छे से क्लियर कर देगी कि कैसे सोचना है। अब बात आ रही थी वो नाइट्रोजन एटम, देखिए सिंगल नाइट्रोजन जो होता है, सिंगल नाइट्रोजन वो अटैच होता है, वैलेंसी रखता है, वो कितनी रखेगा वैलेंसी, तीन, विद वन लोन पेयर, सिंगल नाइट्रोजन। और एनएच ग्रुप की कितनी वैलेंसी रहेगी, डबल, ये NH की वैलेंसी है। और NH2 की वैलेंसी कितनी रहेगी, सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी दो तो यूज हो चुकी है तो एक ही वैलेंसी रहेगी। तो NH2N हमेशा किसी से भी अटैच होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से, NH अटैच होगा डबल बॉन्ड से, और NH2 डबल होगा सिंगल बॉन्ड से। तो ये छोटी बातें आपको याद रहती है तो आपके लिए मॉलिक्यूल बनाना बहुत आसान है, बाकी आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। कोई भी परफेक्ट रूल कभी भी ऐसे नहीं बन पाए जिसे आप सारी स्ट्रक्चर बना सकते हो, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन जरूर मिलते हैं। सिंगल वैलेंसी आप खुद ही दिमाग लगाओ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, थ्री,
नाइट्रोजन की जगह अगर फास्फोरस होता तो वो वैलेंसी का एक्सपांशन कर सकता था, पांच, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन है इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं। तो ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट्स, जल्दी लिखें इसको। इधर देखो, अब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशंस उल्टे देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखना कितना इजी है। आगे अगर बात करेंगे एग्जांपल फाइंड हाइब्रिडाइजेशंस, इसी के अंदर फाइंड हाइब्रिडाइजेशंस इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो चलिए मेरे साथ ही आप कर रहे हैं एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल मैं कराऊंगा और बाकी के आपको करने हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस तरह का एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल CH4। आप जानते हैं कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, सिंपल सा है, चार वैलेंसी है, चारों ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो कहां दिक्कत आ रही है, ये एच 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 एच, क्या बोल सकते हो आप इसके लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, और कुछ भी खास ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने NH3 ले लिया तो आपको मालूम है कितने वैलेंसी, कितने लोन पेयर आएंगे, एक। कितना आसान है हाइब्रिडाइजेशन बताना, क्यों, क्योंकि पांच इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो तीन गए दो बचे, तो कितना हो जाएगा N, एक लोन पेयर रहेगा H H H H और sp3, आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 और पिरामिडल शेप रहेगी। और इसका पूरा नाम लेना चाहते हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, समझ में आ रही है। तो आपको क्या लोन पेयर बताने में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं। क्या आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल बताने में दिक्कत आएगी, नहीं, बहुत आसान है। अगर आज मैं एग्जांपल ले रहा हूं PCl5, तो आप कितना आसानी से बता सकते हो कितने वैलेंस है, पांच, पांचों के पांचों कहां गए बॉन्डिंग में, तो बस खत्म। तो आप कितना आसानी से बता रहे हो, अब आप देख लीजिए sp3d क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर यही एग्जांपल मैं आपके साथ PCl3 कर देता हूं तो आपके मालूम है कि तीन वैलेंसी आएगी तो एक लोन पेयर बनेगा ही बनेगा, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पांच थे तीन गए दो बचे, ऐसे करा करो हमेशा, अच्छे बच्चे ऐसे ही करते हैं, पांच थे तीन गए दो बचे, दो का मतलब एक लोन पेयर, तो 1 2 3 और ये एक लोन पेयर का मतलब 10, तो आपके पास क्या हो जाएगा sp3 और क्या हो जाएगा पिरामिडल। अगर आपसे कहा जा रहा है कि मेरे को ये चीज चाहिए POCl3, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से, तो आप कितना इजीली बता रहे हो P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, पांच से पांच गए लोन पेयर, जीरो बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर, चार sp3, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। तो इतना आसान तरीके से आप बता सकते हो 5 6, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आसान है, कोई टफ तो ही ना है। अगर आज मैं बोलता हूं sf6, आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सल्फर में, 6, 6 में से 6 गए, 0 बचे, लोन पेयर 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस, तो sp3d2 और स्क्वायर बाय पिरामिडल, पक्का। अगर मैंने आपके लिया SO3, तो हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से, तो 6 ऑक्सीजन के ये गए सल्फर के ये, तो क्या आंसर हो जाएगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। तो कहीं कोई दिक्कत हुई ना है, SO2, 6 थे, 6 में से 4 गए, बचे 2, एक लोन पेयर, कितना इंटेलिजेंट हो तुम सब, तो क्या आंसर आ जाएगा sp2 और क्या हो जाएगा बैंड शेप, सही है ना। तो 9th, अगर आपको ले लिया मैंने SO2Cl2, तो देखिए दो ऑक्सीजन थे, 4 खा गए, 2 क्लोरीन खा गए, कोई लोन पेयर नहीं है, 6 थे 6 गए, 6 थे 6 गए, देखो तो क्या बन जाएगा sp3, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, यस और नो, कोई लोन पेयर नहीं है, कौन सा शेप होगा जल्दी से बोल दो, टेट्राहेड्रल। तो कितना इजी है, अगर मैंने यहां पर दिया SOCl2,
SOCl2, तो SOCl2 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, एक लोन पेयर आएगा पक्का, क्योंकि छह थे चार गए, तो एक लोन पेयर sp3 पिरामिडल, इजी है, तो मत परेशान हो। तो ये मैंने 10 एग्जांपल कराए और भी मैं करा रहा हूं आपको, करते जाओ। चलिए अगला पॉइंट, हमने 10 एग्जांपल करे, कुछ और एग्जांपल हम देख रहे हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम बात करें SF4, कैसे सोचेंगे, बहुत आसानी से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सल्फर है, चार फ्लोरीन और एक लोन पेयर, बताओ जल्दी, साथ के साथ लिखोगे तो sp3d कौन सा जाएगा, सीसो, सीसा बोल दो आप, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12। अगर मैंने यहां पर SF4 और O लिख दिया तो भी आपके पास ये बनेगा F F F और डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा sp3d, मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑक्सीजन जन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट 12 13, अगर आपके पास SF2O2 ले लिया मैंने, तो कैसे सोचोगे आप, SF2O2 हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, एक फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन से, कितने लोन पेयर आएंगे सोच के देखो जल्दी, जीरो, क्या हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल 13 14। अगर मैंने यहां पर कोई भी ले लिया, अब इससे ज्यादा मेरे को लेने का लग नहीं रहा मैंने, हाँ ठीक है, सल्फर से रिलेटेड मैंने ले लिया, लेकिन मैं SeO3 ले लेता हूं, तो ऐसी ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कौन सा ग्रुप है, सल्फर ही है, अरे सल्फर वो ग्रुप ही है, तो सेलेनियम को सल्फर की तरह ट्रीट कर दो, बस लिखो ऐसी, तो क्या हो जाएगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, और मैंने आज रूल पूरे लिखा दिए आपको वैलेंसी के, तो ये हर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से, और आपका काम चल जाएगा, और आंसर क्या जाएगा sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर, तो कहीं कोई ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको ग्रुप नंबर से आइडिया लग जाएगा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो ये 14 एग्जांपल, अब 15 चालू कर रहा हूं मैं नाइट्रोजन वाले, बहुत सारे एग्जांपल नाइट्रोजन और कार्बन के आएंगे, तो देखिए नाइट्रोजन से पहले मैं आयोडीन ले लेता हूं, IF7, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन में, सात, सातों के सातों यूज हो गए, सात के साथ लिखेंगे ये मेरे, है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा यहां पर sp3d3 और ये हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल 15 16, करते जाए मेरे साथ 16। अगर मैंने यहां पर ले लिया IF5 तो एक लोन पेयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा sp3d2, डिस्टॉर्टेड नहीं मैडम, यहां पर जाएगा sp3d2, एक लोन पेयर है, डिस्टॉर्टेड नहीं जाएगा, यहां जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर है, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, एक लोन पेयर है आयोडीन है, ये एक लोन पेयर हो गया, और ये क्या है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, हाँ या ना। अगर यहां पर 17 किसने पूछा IF6 दे दिया, तो वो बेवकूफ है पूछने वाला, क्योंकि आयोडीन या तो 7 वैलेंसी शो करेगा या कितनी करेगा 5 करेगा, 6 तो शो नहीं कर सकता, तो उसे थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी माइनस लगा के। अब आयोडीन माइनस क्या हो जाएगा, जीनोन, और जीनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8, 8 है और 6 गए, बचे कितने, एक लोन पेयर, तो ऐसे करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन 6 गए 2 बचे एक लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा sp3d3, और ये होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल, जो आप बोल रहे थे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल को क्या बोलोगे, कैप्ड ऑक्टाइडल भी बोलोगे, कैप्ड ऑक्टाइडल, समझ में आ गया, ये बनेगा वो 17 18।
अगर मैंने यहां पर आई एफ सिक्स प्लस लिख दिया, बना दिया, क्या बना दिया, आई एफ सिक्स प्लस, तो अब तो आपके लिए क्लियर हो ही गया कि यहां पर छह है, तो यहां पर वैलेंस इसी भी छह ही है, यानी सिक्स ही है, तो सिक्स थी, सिक्स गई, बची जीरो, लोन पेयर जीरो, एस पी थ्री डी टू स्क्वायर बाय पिरामिडल। यह सुनो, सात के साथ लिखो, टाइम नहीं है, 18 19, मैंने लिख दिया आई थ्री माइनस, अब बताओ आई थ्री माइनस लिखना कितना है? लीनियर, मैंने कल भी बताया था आई माइनस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आई माइनस सेंटर पे लगाओ, आज भी मैंने बताया रूल कि जो भी नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है सेंटर एटम पे लगा दो, बिना दिमाग लगाया ज्यादा, जब तक कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन पे फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो कितने वैलेंसी हो गई, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आई माइनस के पास, आठ, आठ में से कितने गए दो, बचे कितने छह, तो तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, क्या हुआ sp3d, और किस तरह का दिखेगा ये, एक आई ऊपर एक आई नीचे, एक लोन पेयर यहां एक लोन पेयर यहां एक लोन पेयर यहां, तो ये क्या हो जाएगा sp3d, और लीनियर रहेगा, वो तो मैं पहले ही लिख चुका हूं लीनियर, और बीच में आई माइनस रहेगा, बिल्कुल सही कहा, आई माइनस है वो आई नहीं है, क्लियर है, अगर ये आई थ्री प्लस होता क्या होता, आई थ्री प्लस, बिल्कुल सही जा रहे हो, 14 15 19 20, अगर ये आई थ्री प्लस होता तो आई प्लस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सात आठ या छ, छ, छ में से दो गए चार, दो लोन पेयर, तो ये sp3 तो आपने बता ही दिया, आप मेरे को बताओ शेप कौन सी होगी, बैंड या कुछ और, बैंड शेप को वी शेप भी बोलते हैं, बैंड शेप और वी शेप, नेक्स्ट, अच्छा एक बार बताओ अभी हाल आया था आई थी प्लस के अंदर लोन पेयर कितने हैं, आई थी प्लस के अंदर लोन पेयर कितने हैं, गलत आंसर है, तीन तीन छः और दो आठ, टोटल लोन पेयर आठ, बच्चों ने दो लगाया इसका इंटीजर में, ऐसी गलती मत लिखना, उसने ये नहीं पूछा है कि लोन पेयर सेंटर एटम पे कितने, पूरे पे पूछे, उसने आई थ्री प्लस पूछा है, इसका मतलब पूरा ही पूछा है, तो जल्दीबाजी में बच्चे दो ही लगा के आ गए, तो बच्चे तो गलती करते हैं और फिर भुगतना हमें पड़ता है, ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपको अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर पूछे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लिंक नहीं है, पूरे ही निकालो फिर, 17 19 में क्या है आई एफ सिक्स माइनस, यानी आई पे क्या है चार्ज हुआ माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आठ, आठ में से गए कितने गए छ, कितने बचे दो, लोन पेयर कितना है एक लोन पेयर और छ बॉन्ड पेयर, कौन सा केस था कल मैंने बताया sp3d2 कैप्ट ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल ही होता है और एक लोन पेयर बाहर की तरफ आता है, सही है ना, और कौन सा पूछा 19 आई थ्री माइनस, आई पे माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है आठ, कितने गए दो, बाकी के आयोडीन किससे जुड़ेंगे सिंगल सिंगल से, तो दो गए, कितने लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है छह, कितने लोन पेयर है तीन, तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर sp3d, फिर d2 मत बोला कर नहीं तो पिटाई हो जाएगी तेरी, sp3d कौन सी शेप बनेगी लीनियर बनेगी नहीं बनेगी, सही है, तो इजी है, और पूछो कौन सा पूछना है ये भी बताना है, हो गया, तो नेक्स्ट हमने बहुत सारे प्लस माइनस देख लिए, आज अगर हम बात करते PCl4 तो या तो एग्जामिनर को यहां पर दिक्कत है, फास्फोरस या तो पांच शो करेगा या तीन करेगा, चार तो नहीं करेगा, तो एग्जामिनर को यहां पर क्या लगाना चाहिए, या तो प्लस या माइनस, तो उसने यहां पर लगा दिया प्लस, मैंने कुछ ही नहीं कहा, तो आंसर क्या जाएगा, तो इसका मतलब फास्फोरस क्या बन चुका है कार्बन ग्रुप का बन चुका है, फास्फोरस सिलिकॉन बन चुका है, सिलिकॉन किसका है कार्बन ग्रुप का, तो sp3, वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच, पांच में लेकिन अब कितने रह गए चार, चारों गए लोन पेयर जीरो sp3 टेट्राहेड्रल, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 22 कुछ इस तरह का बन रहा है, ये इसका शेप,
इसका शेप देखो बेटा, सी एल सी एल सी एल सी एल और ये प्लस। अब बताओ टेट्राहेड्रल तो यही है। 22 और देख लीजिए, पी सी एल सिक्स माइनस, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्या होगा जल्दी से बताइए। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। सल्फर बन चुका है, 6 हो गए, 6 में से 6 गए, 0 लोन पेयर, 0 sp3 d2 और sp3 d2 है तो स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप होगी, बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर 90 डिग्री वाले कितने एंगल होंगे जल्दी? 12, बिल्कुल सही है, 12। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आ चुके हैं क्वेश्चंस। अच्छा, इसके पास लोन पेयर कितने होंगे? 0। PCl6 में कितने लोन पेयर है? PCl6 माइनस, क्लोरीन पे होंगे, क्लोरीन पे पर क्लोरीन कितने हैं? 3। तो 6 12 18 18 लोन पेयर है। फास्फोरस में कितने हैं? 0। अच्छा, इसमें कितने लोन पेयर है? चारों क्लोरीन है, 4 3 12 12 पक्का। इसमें कितने लोन पेयर है? 8। इसमें कितने बताए मैंने? इसमें हो गए, इसके ऊपर भी 3 3 6 और यहां पर भी 3 9। तो करो यार, करो बस। IF6 माइनस में कितने लोन पेयर आएंगे? 6 12 18 19 19। चेक करो, 19 सही है आंसर। देखो हर फ्लोरीन पे कितने हैं? 3। तो 6 12 18 और एक आयोडीन पे भी रहेगा माइनस होने की वजह से, 19। कुछ समझ में आ रहा है? तो गलत आंसर मत दो, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन शेप बताना बच्चों का काम है। बस हमें क्या है, हमारे को वो टेबल जो हमने पिछली क्लास में बनाई थी वो दिमाग में रहनी है, बाकी तो सब पी। हाँ, हम हमेशा सेंटर एटम उसको सेलेक्ट करते हैं जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो और वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। ये मैंने आज आते ही रूल लिखा है आपको, ठीक है ना? पूरे रूल्स को अच्छे से पढ़ो। तो सेंटर एटम कौन होगा? फास्फोरस। कैसे पता चला है फास्फोरस सेंटर एटम है? अरे दिख ही रहा है यार, उसकी वैलेंसी ज्यादा दिख रही है, तभी तो फास्फोरस की खुद की क्वांटिटी क्या है? कम है। पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर एटम खुद सबसे कम होता है देखा जाए तो। कोई दिक्कत आ रही है और चीज? तो सेंटर एटम तो दिख ही रहा है अभी तक तो। तो अभी तक तो हमारे पास ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। हम डाई एटॉमिक, दो तरह के एटम के बारे में बात कर रहे थे, डाई एटॉमिक नहीं, टू टाइप ऑफ एलिमेंट। आप देखो शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने कितना करा है अभी तक, 22 में 2 एटम, और अभी मैं 3 एटम पे आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और 2 एटम वाले एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे 2 एटम वाले अभी हम बात और कर लेते हैं, जैसे CO2। आप बताओ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 गए, कितने बचे? 0। दो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे एक तरह से, ये तो आंसर क्या जाएगा? sp और लीनियर बनेगा। लोन पेयर कितने आएंगे CO2 में? 4। लेकिन C पे कितने आएंगे? 0। तो हाँ, और अगर CO3 माइनस पूछ लिया तो CO3 माइनस पूछना ही गलत है, -2 बनेगा। बताऊं क्यों? क्योंकि CO3 माइनस डबल बॉन्ड O, मैंने आपको बताया आज आते ही रूल्स के अंदर कि ऑक्सीजन माइनस है, तो अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन और फिर माइनस है तो वो नेगेटिव चार्ज सेंटर एटम पे नहीं लगाएंगे, वो किस पे लगाएंगे? हम ऑक्सीजन पे। और जब ऑक्सीजन में माइनस होगा तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 1। बिल्कुल, क्या कार्बन 4 वैलेंसी शो कर सकता है? हाँ। अब बताओ कार्बन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 0। तो कार्बन पे लोन पेयर आंसर क्या होगा? sp2 और शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको ये साथ एक तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, दूसरा इसके अंदर कितने लोन पेयर होंगे CO3 माइनस 2 में? तो 3 3 6 7 8 8 होंगे, पक्का। लोन पेयर कितने होंगे? 8, पक्का। ओ माइनस अपने आप में क्या है? फ्लोरीन। 3 यहां पर 3 यहां पर 6 7 8 टोटल लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं। सेंटर एटम पे लोन पेयर कितने होंगे? 0, खत्म बात। इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर में सिग्मा और पाई दोनों को काउंट करते हैं, इज दैट क्लियर? 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं? 3 3 6 8 कार्बोनेट में, और
हाइब्रिडाइजेशन sp2 शेप ट्राइगोनल प्लेनर, कोई डाउट? सेंटर एटम पे लोन पेयर 0 25, अभी तो कहानी बाकी है। C2H6 दो कार्बन है, तो अब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे भी जुड़ सकते हैं, ये हमारे लिए दिक्कत है। तो कैसे पता चलेगा ये कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? इसका आइडिया लगेगा बचे हुए हाइड्रोजन, उनको तो लेना है, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और कॉर्नर एटम ही रहता है, सेंटर एटम रह ही नहीं सकता। तो तीन हाइड्रोजन इसको दे दो, तीन हाइड्रोजन इसको दे दो, सिमिलरिटी रूल लगा के। तो आपके पास इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है इसका? नहीं, पक्का नहीं है इसका कोई आइसोमर्स। आइसोमर्स होता तो हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन के आंसर और भी कुछ हो सकते थे, तो मल्टीपल चॉइस भी आंसर हो सकता था, लेकिन अभी तो कार्बन पे कौन सा होगा? sp3 और टेट्राहेड्रल। ये कौन सा है हमारे पास? इथेन। अब इथेन के बाद ये हमने लिया एथेन 26, मैंने ले लिया इथिनाइल, ठीक है ना? तो इथिनाइल, ये इथिनाइल या इथिनाइल हम जो भी बोल देते हैं, ये कॉमन नेम है, बाकी इसका आजकल हम क्या बोलते हैं इसको, इथीन। और इसके लिए हमारे पास हो गया C2H4, पक्का? तो यहां हमारे पास 100% एक पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 26 + 1 7। अब ले लिया मैंने इथाइन, इथाइन हमारे पास हो गया C2H2। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया यहां पर तो पाई बॉन्ड और बढ़ेगा, तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? हर एक कार्बन पे इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा sp, और क्या हो जाएगा? लीनियर। तो आपने मेरे से एक और पॉइंट सीखा है, क्या? कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का नहीं होता, सेंटर एटम का होता है, और एक से ज्यादा सेंटर एटम हो तो फिर आपको इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप बहुत आसानी से बोलते हैं sp3, क्योंकि सेंटर एटम एक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल है तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को एटम का हाइब्रिडाइजेशन कब माना जा सकता है? जब एक ही सेंटर एटम हो या दोनों में सेम हो। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें आपके यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, अब तो आप गए, अब यहां मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? गलत क्वेश्चन ही गलत है। मॉलिक्यूल में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, ये है सही। तो एसपी भी है, sp2 भी है, और sp3 भी है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो। ये sp होगा, ये sp होगा, ये sp2, ये sp2, ये sp3। एक पाई बॉन्ड आने के पहले नॉर्मल होता है तो sp3 चारों सिग्मा बॉन्ड है, एक तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है sp2। तो यहां मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बोलना गलत है। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल में, वो सही है। यहां कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, आपका काम चल जाएगा। तो हमारा अगला आर्टिकल क्या रहेगा? अगला आर्टिकल रहेगा हाइब्रिडाइजेशन इन पॉली एटम, पॉली सेंट्रल एटम्स मॉलिक्यूल्स, उनमें हमें डिसाइड करना है। हमने 27 कर लिए, कोई दिक्कत आ रहा है इसमें? थोड़े से और बढ़ा लेते हैं अपन हेडिंग डालने से पहले, ठीक है? जैसे जीनोन वाले तो हम ही रह गए, तो जीनोन के चालू करते हैं। मैं सबसे पहले ले लेता हूं XeO3। अब बताओ जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। गए कितने? 6। बचे कितने? 2। यानी कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो अब आपके दिमाग में आ ही चुका होगा पिरामिडल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल। सर इजी है यार, कोई ज्यादा नहीं है। XeO2F2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने गए? 6, क्योंकि हर ऑक्सीजन 2 खाएगा, ऑक्सीजन मोटा है थोड़ा ज्यादा खाएगा, तो 2 2 4 5 6 6 गए। कितने लोन पेयर है? एक, एक लोन पेयर। क्या बेटा? तो 6 खा गया ना, 2 इसने खाए, 2 2 4 2 6, तो अभी कितने लोन पेयर बचेंगे? एक। तो एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करता हूं मैं। तो कितना हुआ sp3d? तो अब आपके दिमाग में जब sp3d है तो आप ऐसे ही जोड़ो ना, जीनोन है पक्का,
फ्लोरीन आपने ऊपर जोड़ ही दिए, दो फ्लोरीन, दो ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, कौन सा दिख रहा है आपको? सी सौ। तो 30 एग्जाम्पल आपके पास हो गए, अच्छा है 31। एक को ले लेते हैं एक्सी ओ एफ फोर, वही होगा पक्का, एक लोन पेयर, बस शेप चेंज हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी, चलिए ठीक है। तो एक्सी एफ एफ, अब मजबूरी में एफ है तो हम यहां पर चार एफ और एक लोन पेयर भी हमारे पास। अब आपको नहीं लग रहा कि ये गलत है? क्यों? पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो क्या होगा ये आंसर? सही बोलो, मार खाने के काम मत बोलो। एस पी थ्री डी टू हो जाएगा, क्योंकि चार तो ये हो गए, दो ये गए, छह, एक लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? पांच। तो कौन सा हो जाएगा? पांच और एक छ, एस पी थ्री डी टू। अब बताओ, अब तो बता दो कौन सा बनेगा, स्क्वायर, तू भी मार खाना साथ के साथ, स्क्वायर पिरामिड, एक्सी एफ 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 डबल बॉन्ड ओ और ये लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ रहा है? अच्छा, तू ज्योमेट्री बता रहा था क्या? हाँ, गलती बता रहा था ना, क्योंकि बोल देता ना हाँ बता रहा था तो फिर मैं कहता इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर अपन, अपन तो बड़ी शेप रहे। तो यहां पर 32 एक्स ई एफ फोर अगर आपने ले लिया, कितने लोन पेयर हैं? आठ इलेक्ट्रॉन थे, चार गए, दो लोन पेयर आ गए, दो लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर, एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी टू लॉक कर दूं। आपको नहीं लग रहा स्क्वायर प्लेनर जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 32 एग्जांपल करे, हम कितने ही करे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमने कोई फॉर्मूला नहीं करा, हमने कुछ भी नहीं करा, और हमने वो पढ़ा है जो हमें जिंदगी भर याद रह सकता है तरीका। मैं फॉर्मूले को कभी लाइक नहीं करता, ना मैंने फॉर्मल चार्जर का कोई फॉर्मूला बताया, ना कहीं यहां बता रहा हूं। ठीक है, लिखो आप। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग एसिड्स। फॉलोइंग एसिड में सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऑक्सी एसिड्स ही होंगे हमारे, तो ऑक्सी एसिड में मैं ले रहा हूं H2SO4, H2SO4। आप ही खुद देख लीजिए, जितने भी ऑक्सीजन, मैंने आपको पहले ही बताया एसिड्स बनाने की स्ट्रक्चर का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जितने भी हाइड्रोजन है उनको कहां से जोड़ो आप? ऑक्सीजन से। बचे हुए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। तो बताइए यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। श्योर, कोई दिक्कत ही नहीं है? पिरामिडल टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल दूसरा H2SO3। तो सल्फर है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन गए, एक ऑक्सीजन दिस लोन पेयर, यहां क्या आएगा आंसर? sp3, sp3 एक दो तीन चार, लेकिन पिरामिडल शेप आएगी। एक और एग्जांपल, एग्जांपल बहुत सारे आएंगे हमारे पास। मैं ले रहा हूं HClO4, ClOH। हमें कैसे पता चलेगा Cl सेंटर एटम है? क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा वैलेंसी हो सकती है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑक्सीजन इस जगह OH में चेंज हो जाएगा, तो वैसे ही सेंटर एटम नहीं रहेगा, इतनी वैलेंसी वो नहीं कर सकता। Cl थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा वाले पीरियड अपनी वैलेंसी का एक्सपांशन कर देते हैं, और जिसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी होती है वही सेंटर एटम होता है। तो ये सब चीजें हो गई, तो बाकी की ऑक्सीजन कितने से जुड़ेगी? डबल बॉन्ड से। तो कितने? सात थे, सात गए, बचे जीरो लोन पेयर, जीरो sp3 टेट्राहेड्रल, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फोर्थ HClO3, ClOH, हाइड्रोजन को किससे जोड़ोगे? ऑक्सीजन से, आते ही यही मैंने बताया। तो बचे कितने ऑक्सीजन? दो, तो दो बचे दस।
ये तो बन गया स्ट्रक्चर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे? क्लोरीन पे सात थे, पांच गए, बचे एक लोन पेयर, बचे दो यानी एक लोन पेयर, एसपी थ्री यानी पिरामिडल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास बनते चले जा रहे हैं। फिफ्थ एच सी एल ओ टू, तो क्या बनेगा? एच ओ सी एल ओ एच, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने थे? सात थे, तीन गए, बचे कितने? चार इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो लोन पेयर। तो आपके पास क्या बनेगा? ये बैंड एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बैंड शेप। एस सी एल ओ, अब दिक्कत क्या आ रही है कि सीएल के साथ ओ एच है, ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो इस बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन बोलना बेवकूफी है सीएल पे। क्यों? एक सिंगल बॉन्ड के लिए मेरे को हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मेन टारगेट था शेप बताना। तो यहां सेंटर एटम अब कौन बन जाएगा? ऑक्सीजन। अभी तक क्लोरीन था, लेकिन अब क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो हम यहां पर ऑक्सीजन की ही हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? दो। क्लोरीन के पास कितने बॉन्ड है? सात इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने है जगह? एक। एक बॉन्ड बनाने के लिए जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की, एटलीस्ट दो बॉन्ड पेयर तो हो। आप H2 में हाइब्रिडाइजेशन बताओगे क्या? नहीं। HCl में बताओगे क्या? नहीं। Cl2 में बताओगे क्या? नहीं। अगर कोई बेवकूफ पूछ भी ले कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोल दोगे sp3, क्योंकि तीन लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। लेकिन जरूरत नहीं है कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इस जगह लगाओ, क्योंकि ये बनेगा ही लीनियर, तो ये लीनियर ही रहेगा। एक बॉन्ड से क्या बॉन्ड शेप बना दोगे? बेंट या ट्रायगोनल प्लेनर या टेट्राहेड्रल बनाओगे क्या? नहीं ना। कब बनती है शेप? है मिनिमम दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड से आप बता सकते हो लीनियर या बेंट। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए नहीं बनाए गए। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन की शेप जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? दो लोन, बिल्कुल sp2 दिख ही रहा है, sp3, और कैसा दिखेगा ये? बेंट। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर वहां पर भी तो ऑक्सीजन में बेंट होगा। मैं हाँ, बिल्कुल होगा, जहां जहां OH है, OH ऑक्सीजन पे क्या है? बेंट शेप ही होगा। यानी हम बताते ये है O, OH लिखते सीधा है, लेकिन अगर इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? sp3। इज दैट क्लियर? और ये कैसा होगा? बेंट। बेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन आपको हमेशा बेंट करके दिखाना चाहिए, मिनिमम दो बॉन्ड जरूरी है। और कुछ पूछो। तो क्या अगर H2SO4 में पूछा जाए कि कितने ऑक्सीजन पर क्या क्या है, तो इस ऑक्सीजन पे sp3 होगा और बेंट होगा। तो ऐसे ऑक्सीजन दो है और ऐसे, लेकिन साफ साफ पता चला है अगर H2SO4 में कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो सेंटर एटम कौन होगा? सल्फर। अगर मॉलिक्यूल के अंदर पूछा जाए तो एक ही सेंटर एटम को ध्यान में रखते हुए बनाना जिसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी हो। यहां पूछ रहा है HClO में, तो इसके अंदर सेंटर एटम कौन हो गया? गलती से क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरीन अब सिंगल बॉन्ड से रह रहा है, जबकि इससे पहले सब जगह कौन था सेंटर एटम? HClO2 के अंदर इसकी क्लोरीन ही है हमारे लिए, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी आ रही है तीन, ऑक्सीजन की तो दो ही है, सही है ना? पाई बॉन्ड को डोमिनेट मानते हुए मैंने बता दिया, बाकी दोनों से आंसर क्या रहेगा? बेंट। ऑक्सीजन में भी बेंट होगा, एक ऑक्सीजन, और क्लोरीन पे भी बेंट होगा, सही है। हमारी लड़ाई पहली बार कहां आई? HClO में। तो आप कुछ कुछ समझ में आया, सब कुछ आ गया। तो ये हमारे पास सिक्स सेवेंथ, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, HNO3 नाइट्रोजन, OH जोड़ दो, एक इस तरह से जोड़ दो, और अब क्या बचा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जल्दी से बोलो? मेरे लिए अब लोन पेयर है ही नहीं, तो ट्रायगोनल प्लेनर sp2।
ट्राइगोनल प्लेनर है वो, पूरा नाम सात आठ। हम बात करते हैं HNO3, HNO2। HNO2 को कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन खत्म हो गया तो एक OH है और एक डबल बॉन्ड O, लोन पेयर अभी भी है, क्या बनेगा ये? SP2। और कैसा रहेगा ये बैंड शेप? बेटा एक मिनट, बैंड शेप इसमें भी होता है SP2 में, अगर एक ही लोन पेयर आ गया तो भी बैंड शेप बन जाता है। बैंड शेप दो जगह बनता है, SP2 एंड SP3। समझ में आ रहा है? SP3 के लिए दो लोन पेयर चाहिए, एक दो एक दो, लेकिन SP2 के लिए तो सिर्फ एक ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है? तो ये बैंड शेप हो गया। 18, 8, 9, तो ये हमने बहुत सारे पॉली एसिड्स बनाए, लेकिन अभी भी हमारी बात बाकी है। अब बात कर रहे हैं मैं SCPO4। मैंने आपको बताया था जितने भी हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैच करने की कोशिश करो, ऑक्सीजन पे। जनरल रूल है ये, OH, OH, OH और डबल बॉन्ड 10, सही है? और इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन SP3, और क्या हो जाएगा, पिरामिडल नहीं होगा, यही मैं कह रहा हूं, पिरामिडल नहीं होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो यहां HCPO3 हो जाता है 10, तो क्या हो जाएगा आपके पास, फास्फोरस, OH, OH, OH और एक लोन पेयर। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ये एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, तो ये एक्सेप्शन की तरह पढ़ना पड़ेगा, OH, OH और ये वाला प्रोटॉन ट्रांसफर यहां हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, H, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट पूरी तरह से हो जाता है। तो आप अगर इसको ऐसे बनाते हो आंसर गलत जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो सही जाएगा लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। अब बताइए क्या है, SP3 पिरामिडल है या टेट्राहेड्रल है? टेट्राहेड्रल है, तो यहां गलती होने की चांसेस है। SCPO3 के अंदर कौन सी शेप है? आप आंसर SP3, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सही बताओगे, शेप गलत बता सकते हो। इस वाले लुक से आंसर पिरामिडल आ रहा है, इस वाले से टेट्राहेड्रल आ रहा है, कौन सा सही आएगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। और इसकी बेसिसिटी 3 है, इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 2, सही आंसर क्या है, 2। तो इसलिए ये स्पेशल केस है, एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखना। अलग ही है, इंपॉर्टेंट है, आप कर लोगे याद, कोई दिक्कत नहीं है, लॉक कर दें। तो हमने बहुत सारे पॉली एसिड्स वगैरह ये सब करें, अब आगे ऑक्सी एसिड्स करें, ठीक है, करिए इसको। हमने हाइब्रिडाइजेशन कराए फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग पॉली सेंटर एटम, पॉली सेंटर एटम, तो एक से ज्यादा एटम है, तो हमें इन सब एटम्स के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं हम, एग्जांपल N2O3, दिख गया हम, हमारे पास सेंटर एटम एक से ज्यादा है। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त कुछ पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखेंगे, सेंटर एटम एक से ज्यादा है, नाइट्रोजन है, सेंटर एटम नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको भी देंगे, अभी भी ऑक्सीजन बच रही है, हाँ, तो वो ऑक्सीजन आप बीच में मत बनाओ, क्योंकि जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड होंगे उतना ही मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा इस तरह। तो यहां क्या आएगा, एक तरह से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनने की कोशिश करेगा और दिस, तो बताइए यहां पर कितने लोन पेयर हैं, एक, और यहां पर कितने हैं, जीरो। तब मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या होगा, SP2, और
और यहां क्या होगा, यहां पर भी sp2, फर्क क्या रहेगा, ये बेंट होगा और ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो दो तरह हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आएगी, हमें इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी यहां पर फर्स्ट और सेकेंड। हाँ अगर यही चीज हमारे पास N2O4 होती तब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होता, हम बहुत आसानी से बोल देते नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अब आपके पास दोनों ही जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड तो यहां एग्जांपल इसी तरह से हमारे पास बनेंगे, अगर N2O5 दे दिया जाए तो आपके लिए यह भी बहुत सही है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आपके पास पॉली एटम कितने हो गए, दो, तो नाइट्रोजन पे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस जगह नाइट्रोजन पे आपके पास आएगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, इस नाइट्रोजन पे भी sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और इस ऑक्सीजन पे भी बता सकते हो आप क्योंकि ये भी दो बॉन्ड से जुड़ी हुई है sp3 बैंड शेप। तो तीनों एटम पे इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस मॉलिक्यूल में, अगर किसी ने पूछ लिया तो आप गए काम से, विच टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, आप जल्दीबाजी में sp2 ही सोच के लिख जाओगे जबकि आंसर क्या है sp2 एंड sp3 बोथ। हाँ अगर उसने पूछा व्हाट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल ऑन नाइट्रोजन एटम, तब आंसर आपका क्या जाएगा सिर्फ sp2। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो समझो फिर करो। फोर्थ हमारे पास पॉली सेंटर एटम के बहुत सारे एग्जांपल्स और भी बनेंगे, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं N2O5 हो गया तो P2O5 आपको मालूम होना चाहिए, P2O5 पॉलीमर फॉर्म में रहता है P4O10 में, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास ये है P2O5 का पॉलीमर फॉर्म में इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो बताइए फास्फोरस पे क्या है, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कौन सा है पिरामिडल। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है स्ट्रक्चर बनाना। अरे यार क्या कर रहे हो टेट्राहेड्रल, ध्यान से देखो टेट्राहेड्रल। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, इजीली बना सकते हो आप, सही है। अगर P4O6 होता तो आपके पास यहां लोन पेयर आता, तब आपका आंसर क्या जाता पिरामिडल। हाँ ये हमेशा इसी फॉर्मेट में रहता है पॉलीमर फॉर्म में, समझ में आ गई बात। तो ये आपके पास एक छोटा सा पॉइंट हुआ जब पॉली एटम हो चुके हैं। तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं C3O2, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। एक तो आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। सेंटर एटम आपके पास कम हो रहे हैं किससे, सराउंडिंग एटम से, तो सब वर्ड लग जाता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सो इजी। तो बताइए यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी 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 लीनियर लीनियर लीनियर, या सुनो सभी लीनियर है। तो हमारे पास कौन से नंबर का एग्जांपल हुआ जल्दी से बताएं, 5 नंबर का था। तो ये हमारे पास हम वापस आते हैं 6 नंबर का। बहुत सारे पॉली एसिड आपका इंतजार कर सकते हैं जैसे H4P2O7। तो कैसे सोचेंगे आप इस जगह को, ध्यान से सुनना। देखिए फास्फोरस OH OH O OH OH और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O।
हम सिमेट्री रूल लगा रहे हैं, दो फास्फोरस हैं, हर एक चारों हाइड्रोजन सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो किससे जुड़ेगी? ओएच 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 से। तो ये हमारे पास हो गया। क्या यहाँ प्रोटॉन शिफ्टिंग हो सकती है? नहीं, क्योंकि फास्फोरस के पास लोन पेयर नहीं है। पक्का? तो यहां पर आपके पास अब क्या होगा, इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यहां पर भी क्या होगा? sp3। ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल। बिल्कुल सही है, टेट्राहेड्रल। और यहां क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सभी ऑक्सीजन पे यहां पर sp3 होगा और बैंड शेप ऑल ऑक्सीजन हैविंग दिस बैंड। तो बताइए कितने एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर? सोच के बोला। 1 2 3 4 5 6 7 सभी ऑक्सीजन आ गए। कोई डाउट? कितने पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? 7। कितना टेट्राहेड्रल है? 2। कितना बेंट है? 5। बेंट 1 2 3 4 5, ये सब बेंट होंगे sp3। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को बारीकी तक पकड़ो। अगर आपने इन बारीकियों को पकड़ लिया तो औरों से आगे चले जाओगे बस, क्योंकि ये जितने भी इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछे वो तो बहुत इजी है, वो तो हर कोई कर लेगा। तो हमने ये सब कर लिया पॉली एटॉमिक वाले। इसी के अंदर एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, H4P2O5 कर दिए मैंने। अब ऑक्सीजन अगर आप 5 करोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि OH है, OH है, O P डबल बॉन्ड O OH OH, यहां डबल बॉन्ड O नहीं लगाओगे, गलत है। क्या प्रोटॉन शिफ्टिंग हो जाती है फास्फोरस में? हाँ, फास्फोरस की लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये डबल बॉन्ड और ये H यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन की प्रोटॉन शिफ्टिंग हो जाएगी, लोन पेयर दे देगा, आसानी से जाएगा। और इस वजह से यहां पर sp3 टेट्राहेड्रल और ये भी sp3 टेट्राहेड्रल। तो पूछा जा सकता है H4P2O5 में फास्फोरस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? आंसर गोज टू sp3 टेट्राहेड्रल। पक्का? इसका नाम अभी आप याद रख लो, बाद में मैं आपको याद करना बता दूंगा कैसे होता है, पायरो फॉस फोरस एसिड, और इसका नाम है पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो छोटी छोटी चीजें सब आपको आनी चाहिए। हाँ या ना? 5 6 7 क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? एट। हमने नाइट्रोजन से रिलेटेड भी बहुत सारे पॉली एसिड्स की बात कर सकते हैं या सल्फर से रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो मैं वापस आ रहा हूं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और ये होगा हमारे लिए H2S2O7। सल्फर है, OH इसको दो, एक ऑक्सीजन बीच में और एक OH इसको दो, बाकी सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा दो। तो क्या आपको 7 ऑक्सीजन दिख गए? मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन देगा sp3, बस sp3 1 और टेट्राहेड्रल। मैंने बहुत सारे एग्जांपल करा दिए आपको, लिखे हैं इनको। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग रिएक्शन, यदि कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो उससे हाइब्रिडाइजेशन और शेप पे क्या फर्क होता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है फर्स्ट, ये मेरे पास है NH3 और इसकी रिएक्शन हुई H+, इसने क्या बना लिया? NH4+। तो क्या चेंजेज होगा इस हाइब्रिडाइजेशन में, इस रिएक्शन में? यहां कौन सा था? sp3, और क्या था ये? पिरामिडल या टेट्राहेड्रल? पिरामिडल। लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है तो अभी भी इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, लेकिन अब इसका क्या चेंज हो चुका है? शेप चेंज हो चुका है, क्या बन चुका है? ये टेट्राहेड्रल। तो आपसे पूछा जा सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम बट शेप विल बी चेंज। तो आप आराम से बता सकते हो इन दिस
फॉर्मेशन ऑफ दिस। यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन विल बी चेंज, शेप विल बी चेंज, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ चेंज, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम। तो आपका ये रहेगा शेप विल बी चेंज, ओनली शेप विल बी चेंज। तो क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में बनाते देर नहीं लगती है। NH3 और BF3 इन दोनों की रिएक्शन हुई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, NH3 ने अपना लोन पेयर BF3 को दे दिया। तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, sp3, और शेप क्या थी, पिरामिडल। क्या आपको लग रहा है ये सब आता है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब ये बॉन्ड बन चुका है तो यहां sp3 और क्या बन चुका है, ये टेट्राहेड्रल, चारों बॉन्ड हो गए। नहीं समझ में आ रहा, ये बनाओ तो सही, एच 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 एच, और ये बोरोन एफ 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 एफ, ये बन गया। यहां पर प्लस, डोनर के ऊपर प्लस और एक्सेप्टर में माइनस, NH4 प्लस का। वारे वाह मेरे भाई, जब भी सेंटर एटम पे लगाओ चार्ज जो भी हो, एच 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 बन गया। पिरामिडल दिख रहा है, कार्बन है वो, CH4 है, ठीक है, नहीं पूछना था, इजी था। तो क्या हुआ, sp3 और टेट्राहेड्रल, यस और नो। अब यहां पर कौन सा था, sp3 पिरामिडल, ये क्या है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों पे ही sp3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, और ये भी sp3 टेट्राहेड्रल। तो जल्दी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दिस रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। बताओ इन दिस रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन विल बी चेंज, फॉल्स, पहले भी sp3 रहा था। इन दिस रिएक्शंस शेप ऑफ नाइट्रोजन विल बी चेंज, ट्रू। इन दिस रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन विल बी चेंज, ट्रू। इन दिस रिएक्शन शेप ऑफ बोरोन विल बी चेंज, ट्रू, पक्का। इन दिस रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन बोथ विल बी चेंज, फॉल्स, नाइट्रोजन का तो सेम रहेगा। इन दिस रिएक्शन शेप ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन बोथ विल बी चेंज, ट्रू, क्योंकि इसका पिरामिडल से टेट्राहेड्रल हो रहा है, वो ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस आप फटाफट करो, मैं इस पे हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है ना, आप लाखों बना सकते हो, ठीक है, लेकिन करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। थर्ड, ये हमारे पास बोरोन है, OHA, 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 ठीक है, OH, 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 OH. अब H2O के साथ रिएक्शन करी इसने, और क्या बना रही है, BOH4 प्लस H प्लस माइनस, ठीक है, जो भी बना ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। तो बताओ यहां हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का क्या था, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, sp3 टेट्राहेड्रल। आपको वैसे ही मालूम है बोरोन माइनस यानी कि कार्बन, बोरोन माइनस का मतलब कार्बन, तो चार OH जोड़ने, तो कैसा दिखेगा आपको, बोरोन माइनस का मतलब चार, कार्बन, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फोर, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फोर ही आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बने, तो क्या आपको समझ में आ गया ये बात, टेट्राहेड्रल, यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो यस और नो, वेरी गुड। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, sp3 हो गया, तो हमें हमारे लिए क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, आ रहा है कुछ समझ में। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली है, जनरली ये इस तरह की स्पीशीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लेस स्टेबल होती है, लेकिन जब तक है तब तक वो कैसी दिखेगी उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है मेरा CH3 डॉट, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर भी शो करती है, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ये एक खाली ऑर्बिटल में रखा रहता है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, और इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल, क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल अब हमारे पास डिपेंड करता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इस जगह एटॉमिक ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जल्दी से बोले,
एसपी टू, और कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, यानी ये प्लेनर शेप होगी, ट्रायगोनल एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा वो, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है एसपी टू, यस और नो, पक्का। लेकिन अगर किसी ने मेरे से डिस्कस किया कि सब ये क्लोरीन है, सपोज सी सी एल थ्री डॉट, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग, ये अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहने की वजह से अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें sp3 करेक्टर आएंगे, जिससे हम बोल सकते हैं यहां पर कौन सा पिरामिडल, तो यहां पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, यानी इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम, उससे भी हाइब्रिडाइजेशन का फर्क पड़ रहा है कहीं जगह, तो ये मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है। थर्ड, मैं और भी बहुत सारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को जानता हूं, जैसे डबल बॉन्ड ओ और ये, यानी कि इसको क्या बोलोगे, एनओ टू, एनओ टू है। अब आपके पास कुछ भी हो, दो ऑक्सीजन है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए सिंपल सा है, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है, और एसपी टू के साथ ये कौन सा होगा, बैंड एक दो और ये 10, तो ये हमारे लिए बैंड शेप का हो जाएगा, यानी यहां पर भी इलेक्ट्रॉन हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा, लेकिन बैंड शेप में रहेगा, सराउंडिंग एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका फर्क पड़ेगा, कोई डाउट, तो ये भी हमारे लिए क्या रहेगा, हाँ बेटा, हाँ जैसे भी आप एनर्जी से ही समझाएंगे हर चीज, कि उसी वजह से फर्क पड़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये चाहेंगे कि ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाए, लेकिन अगर यही एनओ टू प्लस होता तो ये क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो नाइट्रोजन पे प्लस का मतलब क्या है आपके पास, दिस। तो अब मैं आपको ये अलग से एग्जांपल लूंगा, एनओ टू आयन की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो फॉलोइंग आयन की हम अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पढ़ रहे हैं, और यहां पर हमारे लिए क्या है, एसपी टू, एसपी टू, और क्या रहेगा, ये बैंड शेप, कुछ समझ में आया, लिख ले इसको, एनओ टू प्लस जबकि लीनियर है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, और एनओ टू नॉर्मल, एनओ टू 10,